चलो तो शुरू करते हैं दशा को। दशा को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बड़ी जरूरी बात हम बता दें, एक रहस्य जो हमने किसी को नहीं बताया आज तक, दो तीन लोगों को बताया है केवल, करीबियों को, सबको नहीं बताता मैं ये बात। वो बात क्या है कि जब आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं ज्योतिष की क्लासिक, तो उसके शुरुआत के पन्नों में किसी देवी देवता की आराधना की होती है ना। जैसे वारामीर बोलता है कि भैया सूर्य ही तो देवता है, बाकी देवता कौन है, कोई देवता नहीं। तो जब आप कोई ज्योतिष की पुस्तक को पढ़ें तो उस देवता की आराधना करें उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड आप उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अच्छा। अपने प्रिजॉडिसेस को छोड़ते हुए, मतलब वो जो पहला जो श्लोक है पुस्तक का, आपको संस्कृत आती है नहीं आती है कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो पहले श्लोक को हर बार पुस्तक पढ़ना प्रारंभ करने से पहले जरूर पढ़ें। अच्छा। जो ज्ञान होगा सो खुल जाएगा थोड़ा ज्यादा। दूसरी बात यह है कि बृहत पराशर को, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि बृहत पराशर जो है वो वैष्णव टेक्स्ट है, कुछ लोग बात नहीं होते। मेरे हिसाब से तो भैया देखिए, ज्योतिष को आप धर्म से मिला नहीं सकते, ज्योतिष ज्योतिष है ना। आप ऐसा थोड़ी ना जो हिंदू नहीं मानता धर्म उसको आप बोल दोगे भैया कि आप ज्योतिष मत करो। दूसरी सिविलाइजेशन में भी, जैन सिविलाइजेशन में भी और अन्य सिविलाइजेशन में भी जो है ज्योतिष का प्रचार प्रसार रहा ही है, ठीक है, चाहे वो चैंडियन लोग हो चाहे कोई भी लोग रहे। अच्छा, इसमें क्या है, इवन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी, बुद्ध पहले ज्योतिष के बड़े खिलाफ थे लेकिन अब बुद्धिस्ट भी ज्योतिष को जो है करते ही है। तो इसमें एक जरूरी चीज ये आता है कि ज्योतिष देखिए किसी डॉगमा किसी ट्रेडिशन को होके तो जाता नहीं, बट स्टिल बृहत पराशर का अभी जो अवेलेबल एडिशन है उस एडिशन में प्रश्न वाले चैप्टर में एक मंत्र लिखा है, मंत्रा फॉर एक्यूरेसी इन प्रेडिक्शन। अच्छा। तो वैसे मैं उस मंत्र को अब तक डिकोड नहीं कर पाया हूं क्योंकि संस्कृत में, और संस्कृत बड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी वो मंत्र ही वो मंत्र है जो कि हर ज्योतिषी को करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक सलाह ये है कि मैं खुद नहीं करता उस मंत्र को, तो जो है उसके बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं। अच्छा, अब आते हैं जी दशा प्रिंसिपल पे। दशा प्रिंसिपल के साथ ये बात है कि दशा प्रिंसिपल फिक्स दशा प्रिंसिपल क्या है ये तो किसी ने नहीं बताया। आज के समय में जब आप देखें हिंदी में, ठीक है ना, सबको समझ आता होगा, कोई इंग्लिश वाला आएगा तो इंग्लिश कर देंगे। हम चार लोगों को तो दोनों भाषा आती है। तो जी आज के समय में दशा के नाम पे जो हो रहा है वो है भावेश की दशा। प्रथम भावेश की दशा में ये हो जाएगा और द्वितीय भावेश की दशा में ये हो जाएगा। किसी भी क्लासिकल पुस्तक में इस प्रकार से दशा का वर्णन नहीं है। जब मैं किसी भी क्लासिकल पुस्तक बोलता हूं तो माने मेनस्ट्रीम क्लासिक, बृहत जातक सरावली। जब मैं नॉर्मल अन्य पुस्तक बोलूंगा तो उसका मतलब है फलदीपिका और सर्वा चिंतामणि, ये सब है नॉर्मल। ज्योतिषी क्या लिख रहा है ये कोई शर्मा वर्मा क्या लिख रहा है उससे हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भैया ऋषि नहीं है और उसके बात को हम लेते नहीं, ठीक है। लेते क्यों नहीं, इसके पीछे एक रीजन है, ये मतलब नहीं कि सब लोग बेकार हैं, लोग अच्छे होते हैं, लेकिन जब तक आप किसी से थरोली पढ़ोगे नहीं तब तक आपको उसका अप्रोच नहीं पता चलेगा। अप्रोच ना पता चलने की अवस्था में जो है चीज आपको क्लियर हो नहीं सकेगी। तो फर्स्ट लेवल का जो क्लासिक है वो क्लासिक भाव की दशाओं के ऊपर ज्यादा बात करता नहीं, जैसे कि बृहत पराशर के बारे में हमने बोला है। तो आई थिंक बृहत पराशर में मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बृहत पराशर निकाल के लोगों को दिखाऊं। तो बृहत पराशर में जो दशा के जो फल बोले हैं उसमें कहीं पर भी आप ये समझिए कि भावेश की दशाओं का जिक्र नहीं है, दशा के अदर प्रिंसिपल्स तो हैं। अच्छा। भावेश की दशा के जिक्र नहीं है, एक जगह पे ऐसा थोड़ा सा जिक्र आता है, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा जिक्र आता है कि इस भावेश की दशा इत्यादि के क्या फल होंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको उसमें भी आई थिंक ग्रुप में भी लिखा कि वो कहते हैं कि भैया सप्तमेश की दशा में शारीरिक पीड़ा होगी। अब आप सप्तमेश को, हम सप्तमेश को जिस प्रकार से देखते हैं वो तो है शादी विवाह, राइट। अब वो शादी विवाह वाली बात तो करते नहीं, वो तो भैया शारीरिक पीड़ा की बात करने लगे।
फिर उसमें क्या हुआ, फिर भाई दशा के फल भी दिए मैं उसमें. ठीक है जी. ईस्टर्न कस्टबलाज, लेट मी सी इफेक्ट ऑफ 10th 11th हाउस एंड राजयोग एसोसिएशन वेल्थ. बाप दाव पदा कर कमसा सोलर लूनार रॉयल एसोसिएशन. जरा वो चैप्टर निकाल लें. इसमें लास्ट चैप्टर है मार्का किलर डेटा. सेकंड पार्ट में क्या क्या है? दशा पीरियड ऑफ प्लैनेट्स, इफेक्ट ऑफ दशास. हाँ 590 पे मिलेगा हमको ये. तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे अलग अलग दशाओं के बारे में वारामिहिर महाराज ने बताया है. अब यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ दशाज है उसमें तो स्ट्रेंथ इत्यादि की बात हुई है. ठीक है, लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट इत्यादि की बात हुई है. फिर दशा ऑफ सन मून मार्स मरकरी में चले गए हैं. इसमें जो है देखिए कहीं भी जो है भावेश के दशा की कोई बात नहीं हुई है. ठीक है ना, कि लग्नेश की दशा ये करेगी और द्वितीयेश की दशा ये करेगी. हाँ. इस प्रकार के जो बात है कहीं पर है नहीं. ठीक है जी. सिमिलर टू द वीनस सब पीरियड एंड ऑल दिस विशेष नक्षत्र दशा एंड देन डिस्ट्रेस एंड दिस एंड दिस. हाँ, तो दशा इत्यादि के फल जो है क्लियरली बात नहीं की गई है कि किस कौन कैसा फल होगा कैसा फल नहीं होगा. देखो छोटे छोटे टेक्निक्स हैं. ओके, छोटे छोटे टेक्निक्स हैं. जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो भैया क्लास चल रही है, अभी क्लास हो रही है, कि जो जो है आपका मान लीजिए कि ऊर्ध्वमुखी राशि में है उसका फल पहले होगा, जो अधोमुखी राशि में है उसका फल जो अंत में होगा, है जो कि वो उभयोदय पृष्ठोदय जो जो उभयोदय राशि में उसका फल बीच में होगा, ये फल है. ठीक है, प्लस वो द्रेकान का प्रिंसिपल हम देख रहे थे कि भैया कि जो है स्थिर राशि में पहला द्रेकान ठीक होता है और दिशवा राशि में बीच वाला द्रेकान ठीक होता है और शर राशि में आखिरी द्रेकान ठीक होता है. तो ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स तो हैं बट मेन बेसिक प्रिंसिपल्स है नहीं. ठीक है जी, ये तो रहा पॉइंट वन. मेन बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है जो कि तकरीबन हर पुस्तक में सुनने को देखने को पढ़ने को मिलता है. वो मेन प्रिंसिपल है दशा प्रवेश चक्र का, कि जब दशा शुरू हो तब अगर दशा का स्वामी ऐसी राशि में और ऐसे उसमें हो, मतलब उच्च राशि में शुक्र राशि में हो तो दशा के बढ़िया फल है और बुरी राशि इत्यादि में हो तो घटिया फल है. और चंद्रमा जो है दशा के शुरुआत के समय जहां पर दशा लॉर्ड बैठा है उससे 6-8-12 में हो तो ऐसे फल है और 3-6-11 में हो तो ऐसे फल है. और जो है कि किस राशि में चंद्रमा हो तो वैसे फल है, उस राशि में चंद्रमा हो तो कैसे कैसे फल है. ठीक है ना. तो ये एक जो दशा प्रवेश चक्र का जो प्रिंसिपल है वो हर क्लासिक में कॉमन मैंने पाया. इसमें कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग दशा प्रवेश लग्न को भी लेते हैं. मैं भी पहले लेने की कोशिश करता था. जो मेरे मेंटर साहब हैं उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि भाई दशा प्रवेश कुंडली अगर तुम बनाओगे तो उसमें लग्न बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए और एक्यूरेट लगने के लिए टाइम बहुत बढ़िया होना चाहिए. ठीक है, तो इसी बात में मेरा एक दिन श्रीपाद जी से बात हो रहा था. केरल के आदमी है, ब्रज जातक में मास्टरी. उनसे मेरा ऐसे नॉर्मल जो है बात हो रहा था. तो मैंने बोला कि भाई ब्रज जातक में जो है दशा प्रवेश के प्रिंसिपल बोले हैं और कोई प्रिंसिपल तो बोला नहीं. उन्होंने बोला श्लोक दिखा दो. अब जब मैंने श्लोक दिखाया तो अब हमने तो भैया इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था ना. अब उन्होंने श्लोक की बात कर दी तो श्लोक में लिखा नहीं था दशा प्रवेश. श्लोक में सब कुछ और ही लिखे थे. अब मैं शब्द भूल गया लेकिन कुछ और लिखा था. दशा प्रवेश को वो सपोर्ट नहीं करता था. लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन माने जिससे दशा प्रवेश कुंडली बनती है वो भी ली जा सकती. अब इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि दशा प्रवेश कुंडली में दशा के स्वामी की राशि की ही बात की गई है और चीजों की बात नहीं की गई. ठीक है, और चंद्रमा की भी दशा के स्वामी से कैसी स्थिति अवस्था है उसके बारे में बात की गई है और उसकी कैसी राशि में स्थिति है उसके बारे में बात की गई है. अन्य बहुत सारे मामलों पर बातचीत है नहीं. तो इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर रहे हो, शुरुआती स्तर का एनालिसिस कर रहे हो, तो दशा के स्वामी की राशि इत्यादि ही आपको बहुत सारे फल बता देगी और उससे चंद्रमा का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही बहुत सारे अच्छे फल बता देगा. और चंद्रमा जिस प्रकार की राशि में बैठा है उसका दशा के स्वामी से कैसा संबंध है कैसा संबंध नहीं है वो भी बता देगा.
ये एक बात है जो कि ज्यादातर क्लासिक्स में नहीं बोली हुई लेकिन हमने देखी है कि ऑल्दो चंद्रमा जो है पाइसिस में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर मरकरी की दशा की शुरुआत में चंद्रमा पाइसिस में होगा तो मरकरी पाइसिस में नीच हो जाता है, तो नीच के प्लेनेट का फल है बीमारी, तो जो है बीमारी जरूर देगा उस दशा में बैठे। लेकिन इस प्रकार के जो फल होते हैं इस प्रकार के फल देता ही प्लेनेट। तो दशा का जो प्रिंसिपल है वही एक मेन बेसिक, दशा प्रवेश चक्र का जो प्रिंसिपल है वही एक मेन बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हर क्लासिक में चलता आ रहा है। ठीक है जी। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, अच्छा इसमें एक चीज और जरा थोड़ी ध्यान देने लायक है कि अगर दशा में भावेश इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होता, तो मुझे तो लगता था किसी क्लासिक में नहीं बोला, आजकल एक भाग्यश त्रिवेदी जी है उनका मैं पूछ रहा हूँ, वो लग्नेश की अच्छी दशा में ये फल बुरी दशा में ये फल होगा, वो फल दीपिका से कोट कर रहे हैं, तो मैं अचानक से याद आया कि हाँ फल दीपिका सर्वा चिंतावनी जिसे पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो बात आई है भैया ये भावेशों की दशा के ये फल होंगे ये कहाँ से आ गए ज्योतिष, किस जगह से आ गए ये लोग। तो उसमें एक क्लासिकल टेक्स्ट है, उसको आप नॉन क्लासिकल भी बोल सकते हो, कुछ निश्चित नहीं है उसका, वो उसका नाम है जी लघु पराशरी, जिसको कि लोग जातक चंद्रिका के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि लोग उड़दाय प्रदीप के नाम से भी जानते हैं, पता नहीं कितने नामों से जानते, लेखक का पता नहीं है, पुस्तक बड़ी छोटी है। लेकिन उसमें जो है उसमें एक प्रकार से भावेशों का जिक्र है, क्योंकि वो बात करता है कारक मारक की, वो बात करता है केंद्राधिपत्य की, वो बात करता है त्रिकोणेश की केंद्रेश की, तो एक प्रकार से तो बात है, उसको लोगों ने जो है अच्छा बुरा कर दिया है कि भैया सप्तमेश की दशा में ये फल होंगे, अष्टमेश की दशा में ये फल होंगे, जो भी होंगे। लेकिन मेरी सख्त सलाह एक ही होती है कि कारक मारक प्रिंसिपल जो है वो कारक मारक प्रिंसिपल सिर्फ ये बताने के लिए उपयोग होना चाहिए कि दशा अच्छी होगी कि बुरी होगी, अन्य अच्छा। चीज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ओके अच्छा इतना क्लियर हो गया। नमस्कार मनीष भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बढ़िया, आप बताइए। हम भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ तो भाई कारक मारक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल जो लघु पराशरी वाले हैं उनका इस्तेमाल सिर्फ ये जानने के लिए होना चाहिए कि अब जैसे मान लीजिए ना ये सप्तमेश की दशा है, लेकिन सबके सप्तमेश की दशा विवाह तो नहीं करवा देती, कुछ की तुड़वा भी देती है ना। आप ये कैसे देखेंगे किसका सप्तमेश विवाह करवाएगा तुड़वाएगा, है ना? उसमें भी सप्तमेश फिर खूब सारे, एक लग्न से सप्तमेश, एक चंद्र से सप्तमेश, एक शुक्र से सप्तमेश, है तीन हुए, यही तीन पोजीशन नवांस में हुआ, माने छह सप्तमेश हो गए। अब इस छह सप्तमेश में से कौन विवाह करवाएगा कौन विवाह तोड़वाएगा या देखेंगे कैसे, है ना? तो उसके लिए आप लघु पराशरी के कारक मारक प्रिंसिपल का यूज करेंगे। लेकिन अब मैंने भी गलती कर दी, मैंने भी फिर बोल दिया भाई सप्तमेश विवाह करवाएगा, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम तो पहले ही कह रहे हैं ये जो भैया सप्तमेश विवाह करवाएगा का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट फॉल्टी है थोड़ा। अच्छा ठीक है, कॉन्सेप्ट तो फॉल्टी हो गया। राजू जी यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? आई थिंक कुछ लोगों को अभी नहीं आएगा समझ में, तो इंग्लिश कर देते हैं। ओके, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज रखते हैं आई थिंक, क्योंकि राजू जी आई थिंक इज फ्रॉम डाउन साउथ, सो ही कैन हैव अ प्रॉब्लम। ठीक, सो व्हाट आई हैव टोल्ड सो फार इन नटसेल वाज द थिंग कि ऑल द क्लासिकल टेक्स्ट मेनस्ट्रीम क्लासिक दैट इज अरावली, ऑल द मेनस्ट्रीम क्लासिक्स टेल अस टू यूज दशा प्रवेश चक्र फॉर दशा। इन दिस दशा प्रवेश चक्र लगना इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, राशि पोजिशन ऑफ द प्लेनेट हुज दशा इज अंडर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट वन। द म्यूचुअल प्लेसमेंट ऑफ मून फ्रॉम दैट दशा लॉर्ड इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इफ द मून इज इन 6, 8, 12 फ्रॉम द कंसर्न दशा लॉर्ड देन इट इज बैड, इफ इट इज इन अक्षया दैट इज गुड। द साइन पोजिशन ऑफ मून with respect to the Lord is also very important. Like for example, moon situated in Virgo is very good because Virgo is a benefic sign. Right? Owned by a benefic is a female sign to benefic. But if it is a dasa of Venus, then this moon in Virgo won't be benefic because Venus is depicted in Virgo. Okay. Now there are two set of things. One is the house placement, one is the Rashi placement, right? So there must be a difference between the house placement and the Rashi placement, isn't it? Okay.
as I told, Rashi placement will indicate problems with the inner things, right? Disease, inner problems, right? Problem with the inner world. Okay, dissatisfaction in matter life, inner problem. Matter life breaking, personal life problems is indicated by Rashi. Outer life problems, that is person not getting promoted, loss of job. These are the outer life things. You know, you have two life. One is a personal life, one is a social life. Whatever happens in social life is indicated by the Bhava. Whatever happens in personal life is indicated by the Rashi in this specific principle of Dasa Pravesha, right? This was the first point that I told in Hindi. I am converting it in English for those who can't understand Hindi, because many people will see who are from, like, you know, non-Hindi speaking area. Okay. Another thing that I told is this Bhava thing. Seventh Lord will give marriage and this eighth Lord will give death. This thing is not mentioned in mainstream classes. Okay. So from where did this came? It came from a book called Laghu Parashari, also known as Ududaya Pradeepa, also known as Jataka Chandrika. Short book, author unknown. Okay. The book tells us about Karaka-Maraka principle and Kendradhipatya dosha and other things like this. Okay, Kendradhipatis and Trigonadhipatis and Kendradhipatya doshas. So there is one important point. That important point is this book doesn't take the planets as a lord of separate houses. It takes the planet as a lord of a bunch of houses, right? Kendras are 1, 4, 7 and 10. Trigonas are 1, 5, 9. Neutral houses are 2 and 10. Okay, Trishtayas are 3, 6, 11. Right. So it takes a set of houses. People made this principle of seventh Lord will give marriage and sixth Lord will give litigation from this principle as far as I can speculate, as far as my limited understanding goes. But according to me, this principle should only be used to see if this dasa will be benefic or malefic. Okay. Now, how you find it is benefic or malefic? Or before going to the thing of benefic or malefic, the first thing is what is the result? You can say this dasa is benefic, you can say this dasa is malefic. So there is one trend or there is two trends, right? So I will tell you the first trend first of all. When you know that the dasa is a benefic or a malefic, in that situation you can say that benefic events will happen in this dasha. See, when I talk dasha, it is up to the level of mahadasha, antardasha and pratyantardasha. Okay, so a mahadasha is good but antardasha is bad and pratyantardasha is good, so it will be good only up to the time of the pratyantardasha. Okay, you remember the principle, right? Dvitri samvad bhavat pramanya. Okay, anything indicated by more than two factors or two or more than two factors is definite, will store, is sure to come. Okay, anything indicated by one factor won't go well, it won't happen. So dasha is good, antar dasha is good, pratyantar dasha may be bad. If it will be good, it will be bad for a small time frame until that pratyantar dasha is there. Mahadasha is good, pratyantar dasha is good, antar dasha is bad. So it will be good for that certain time period, to the time that pratyantar dasha is going, and the next pratyantar dasha will decide the next trend of the dasha. This is a time of fast change, right? Because dasha lord is good and the dasa lord is bad. So the complete situation is over the hands of the pratyantar dasha lord, right? The third level of dasha, mahadasha, antar dasha, pratyantar dasha, the pratyantar dasha lord. So this pratyantar dasha lord can decide the dasha will go good or bad. So this is a volatile time period, right? In this time period, there will be fast changes in the life of the native. Okay. So these are the small observations, right? These, what I call them, it is mathematical observation that you can mathematically know. Because if the good things or bad things are going so fast, like a pratyantar dasha is for 8 months, 12 months to 20 months, right? So it is a fast time period, 1 year or 1.5 year or half a year. So this is a very, very unsettled time, right? The person is not at peace in this time. So that is a thing. Okay. My question was, what to say? This is a benefic dasha, this is a malefic dasha, but benefic for what, malefic for what? Right. So the first thing is, if it is a benefic dasha, you can say everything benefic will happen in this period and nothing malefic, like take it as good or bad. Okay. If the dasha is benefic, then you can say everything good will happen
If the dasha is benefic, malefic, you can say everything bad will happen. Okay. Like if someone comes and asks when I will get married, so you see this is a bad dasha, next is a bad dasha, the next from that is a good dasha. So you can say you will get married in that good dasha. Good event will happen and bad event will happen in this bad dasha. Okay, this is the one trend that you can do. But this technique is a loose technique. What I call a loose technique. Loose technique for the reason, because it is not always that you always see good events. Now, there is a mixture of good events as well as bad events in life, isn't it? You get married, but you get demoted at the same time. Okay, you get married, but you don't get the salary for that particular month because you were busy in a celebration of your own marriage that cannot be avoided. Right. So, what is the second interpretation? What is the second thing? So, when you read the books, which gives the effect of the different dashas and antardashas elaborately. When I first read Bharat Parashara, I was like, this guy who is writing this book, okay, it is not Parashara. Parashara was speaking to Maitreya, no? So Parashara was not writing, someone else was writing. So I thought the person who is writing this book, have he gone mad? He is telling the effect of the dashas of nine planets. Then he is giving the effect of the antardasha of nine planets in the dasha of the nine planets, then 108 results. Then he is telling the effect of the Pratyanta Dasha of nine planets. Then he is telling the effect of the Sukshma Dasha of nine planets. Then he is telling the effect of the Prana Dasha of nine planets. I was like, why are you wasting so much pages? Keep it simple and straight. Give four principles. Give one chapter. Why so many chapters? Then an idea came to my mind to just to mark how many chapters or how many shlokas tell that this Dasha and this particular Antardasha will give marriage. And you know, I found 73 out of 108 combinations gives marriage. I was like, how can you predict using this? There are so many combinations. A person don't get married so often. A lion. How does he get to one marriage only? Isn't it? So I was trying to go behind the principle. And then what I found is that the sage is talking about the acquired signification of the planet. Right? Now you have three levels to check. First level is the Rashi position of planet. Okay, forget about the Dasha Pravesha Chakra, leave it. Okay, this is Dasha Pravesha Chakra is one of the most important and most fundamental rules of a Dasha prediction. Keep it in mind, but forget it for this time. So you have three levels. The first is the planet benefic or malefic? Right, for the horoscope. That's the Laghu Parashari principle. It will tell you the dasha is good or bad. Another thing is, how is the planet itself? Is he debilitated? Is he exalted? That is the second level of good and bad. Right? The third level of good and bad is due to the trend of the dasha. Right? If the Antardasha Lord is bad and the Pratyantardasha Lord is good, then Pratyantardasha Lord will do good, but not to the extent he was supposed to. Because the dasha level over him, the minister over him, that is the Antardasha, that is not good enough. Right. So these are the three levels of the prediction. Three levels of an analysis. Now, when I'm talking about this, we come to some very important point. What is that important point? I'm giving you the complete thing in a nutshell because, as I've already told you, dasha cannot be taught in one webinar or two webinars. It needs a separate course, and I have a course on dasha which is still incomplete. Okay, after this webinar, it will be available for free, na? So it will be like a promotional content for me. After giving this webinar on YouTube, okay, I will launch the course. I will relaunch the course. The people who are in the course will be in the course, and I will complete the course. Okay, I wish to attract few more people to join the course. You know, make me rich, I will make you knowledgeable. Simple formula that I have. Right. Leave the hard work of finding things over me. You just give me money and take the knowledge. Simple funda. You know, I'm very straight when it comes to business. Okay. Coming to the thing. So I was on the dasha thing. So dasha is not a small concept that I can teach you in a webinar or a seminar. Right? It is a long, exhaustive topic. Because there are a whole lot of techniques. There are, I think, I was writing the techniques to be taught in the Dasha Bheda course of mine. And I found there are 47 techniques to predict using a dasha. I was like, my God, I cannot teach this 47 techniques to you people.
and after that then techniques become contradictory, right? There is a rule, a planet in the Shirshodaya sign, head rising sign, will give effect in the first quarter of the dasha. Then another principle is, if a planet is aspected by malefic, then he will give effect in the last portion of the dasha. So what if both the rules conflict? Venus in Leo aspected by Mars and Saturn, so he will give effect in the first part or the last part. So you have to make a distinction. In the second rule, the thing which is being told is that the bad effects of the aspect will be given in the last portion of the dasha. That means the first portion of the dasha will give the effect of the Rashi placement. The second portion of the dasha will give the effect of the house lordship. The third part of the dasha will give the effect of combination, that is also known as conjunction, and aspect. So these two principles may look contradictory. These two principles may look contradictory, but they are not. They are supplementary. Right? So you have to find this niche between the words of sages. Always remember, whoever who is writing a classic is already well learned in the subject. He cannot do the contradiction. Okay, his words are only complementary, not contradictory. You just need to understand the words. Go behind the words, read between the lines. If someone sent me a message, who is this? Subham, please do it in English. It is difficult in Hindi, when then English goes more difficult to go up with you. Sabko aata hai samajh, kisko nahi aata hai bhaiya, message kar do. Brijesh ji keh rahe hain ki karna behtar hai, aaj ye mixture ho jayega pura. Koi baat nahi, we'll do in Hindi. ठीक है जी, तो अंग्रेजी के साधकों के लिए हम बोल देते हैं, कोर्स ओपन है, कोर्स में एडमिशन लें, वहां हम विस्तार से दशा पढ़ाते हैं, यहाँ हम छोटे से में बता रहे हैं. ठीक है, अब हिंदी में पहुंचते हैं. ब्रजेश जी ने देखिए, तो ब्रजेश जी ने पहली बार तो भिजवा दिया, ऊपर से अंग्रेजी हमारी है घटिया हम समझते हैं. ठीक है, तो हिंदी में करते हैं. तो अब तक तो जितना अंग्रेजी में बोला सो तो आप लोग समझ गए, है ना, कोई दोहराए तो नहीं है, शंका वंका नहीं है, शंका वंका होगी तो पूछ लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्रॉस क्वेश्चन आप करेंगे तो ही हमारा भी ज्ञान का चक्षु खुलेगा ना. बहुत सारे पॉइंट पे हमने भी नहीं सोचा, आप क्वेश्चन करते हैं तो मुझे ढूंढना पड़ता है, तो उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है ना, और हमारी नजर में आपकी मजे अच्छी बनती है, ये लड़का मेहनती है, इसको ज्यादा दो. खैर, मेहनती तो क्या, हम ही सबसे छोटे, हम क्या देंगे, आप ही लोग देंगे. हाँ, तो जो भी है. तो भाई, दूसरी जरूरी बात क्या, वो ये कि ऋषि की बातें आपस में विरोधी नहीं हो सकती. वो आदमी पगला नहीं गया है, उसने भी ज्योतिष उन्हीं ऋषियों से सीखी, इन्होंने उसके पहले नियम बनाए थे. अब उसके नियम उन लोगों के नियमों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिनसे उसने सीखा, नहीं ना जा सकते है. अब हम आज आपको जो बेसिक पढ़ा दे रहे हैं, आप उसके खिलाफ कभी जा नहीं सकोगे, क्योंकि आपको एक ही बेसिक पढ़ाया गया है. सो हमारा सपोज कि आपने किसी और को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये ऋषि जिस ट्रेडिशन से आ रहा है ना, वो एक पूरा ट्रेडिशन है, पूरा मिला जुला ट्रेडिशन है. उसमें कोई खास तो वाली बात हो गई, भैया हम कीर्ति करते हैं और हम नाड़ी करते हैं और हम फलाना ढिमका करते हैं, पहले ऐसी बात नहीं थी, पहले तो एक ही सिस्टम हुआ करता था. तो जो भी आदमी आया है वो उसी एक सिस्टम से आया है, तो वो उस सिस्टम के खिलाफ तो जा नहीं सकता, उसने एक ही बात पढ़ी है. तो वो जो कह रहा है वो ऋषि की बात का समर्थक है, ऋषि की बात के विरुद्ध नहीं है. ठीक है जी, अब क्या है, तो दशा के बड़े सारे प्रिंसिपल हैं, कोर्स प्रमोट कर रहे थे थोड़ा सा, कोर्स इंग्लिश में है, वैसे हिंदी में बोलेंगे हिंदी में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो वेबिनार होने से हमसे दिन में चार वेबिनार करा लो, हमें कोई काम धंधा नहीं, फ्री बैठे हम दिन भर. हाँ ठीक है, तो बहुत सारी फालतू बातों के बाद, तो दशा के प्रिंसिपल बहुत सारे हैं. कुछ प्रिंसिपल ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल के हर पुस्तक में फॉलो किए जाते हैं, हर पुस्तक में जिन बातों को बोला जाता है वो नियम बहुत जरूरी होते हैं, जैसे दशा प्रवेश चक्र हो गया. कुछ नियम होते हैं जो कुछ पुस्तकों में बोले जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी नहीं होते, जिनको कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी और ऋषि ने तो इग्नोर किया ही, आप भी करते, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी इग्नोरेंस. ओके, अब जो जरूरी बात है वो ये है
कि पराशर ने दशा बताने से पहले एक अध्याय दिया है, उसको कहते हैं अवस्था। अब हमारा जैमिनी ज्योतिष में जब अब अवस्था के चैप्टर पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार हम अवस्था वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमें पता चला कि ये शयनादि अवस्था जो होती है उसमें नक्षत्र का कुछ खेल होता है। देखते हैं जरा, वो बृहत पराशर तो हमने खोली रखी है, देख लेते हैं जरा शयनादि अवस्था में क्या है, तो इससे आपको अच्छा मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो अवस्था है जो आपकी है भैया, ये शयनादि अवस्था। आवाज अचानक से बंद हो गई सबकी। अच्छा, तो ये जो है आपकी शयनादि अवस्थाएं, इसमें जो है नक्षत्र का इस्तेमाल होता है। यहां पर आप देखेंगे, आई नाउ टेल यू द अवस्था शयन उपवेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसमें नक्षत्र का इस्तेमाल होता है। तो इससे जो है एक छोटा सा विचार हमारे मन में घुसा, घर घर गया यह विचार, तीन शयनादि अवस्थाओं का जो है दशा में इस्तेमाल। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बता ही दें, दशा पे बात चली गई है तो क्यों चुप रहे हैं, राज बता ही देते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। जरा मैं अपने पुराने वाले क्रम में आ जाऊं, उसके बाद में बताऊं जरा। तो देखिए जी, सबसे पहले जो अवस्थाएं बताई गई हैं, है ना, क्योंकि अब बच्चों से बात छुपाना अच्छा नहीं है, तो मेरा रफ कहाँ चला गया, मैं जरा न्यू टेक्स्ट बना दूं, वर्ड डॉक्यूमेंट। ये अवस्था बड़ा जरूरी है, बड़ा नेगलेक्टेड है, बड़ा जरूरी। अच्छा, इसमें क्या है ना, कुछ लोगों ने बवंडर कर लिए खड़े इसमें। एक हमें आप उनकी बात याद है, केएन राव साहब एक पुस्तक में लिखते हैं कि भैया कि संतानम जी ने तो अवस्थाएं जैसे सीख ली, उसमें से सब चार्ट में अवस्था इस्तेमाल करने लग गए बिना रिसर्च के, और उसके बाद तो उनके प्रेडिक्शन उस अवस्था की वजह से ज्यादा फेल किए। तो जो भी है, भैया राव साहब की बात को ठीक मान लेते हैं, क्योंकि संतानम साहब तो बचे नहीं ना, उनसे हम पूछे कि रिसर्च किया कि नहीं किया, राव साहब हैं तो चलो कोई बात नहीं, भैया जो जीवित है उसकी चलती है। ठीक है जी, तो बात आती है अवस्था पे। अवस्था के हैं कई प्रकार जो कि बृहत पराशर में बताए गए हैं, अन्य प्रकार की अवस्थाओं का बहुत ही कम जिक्र है, तो बृहत पराशर को ले लेते हैं। सबसे पहली अवस्था है जी बालादि अवस्था, ले लेते हैं बालादि अवस्था। ये है पांच है क्या, फाइव अवस्था, जो के बालादि फाइव अवस्था, बालादि फाइव अवस्था। ओके, अगले पे जाते हैं, अगली कौन सी अवस्था है आपकी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ओके, तो ये जी बालादि अवस्थाएं हमने कर ली, दैट इज हियर। ओके ओके, द नेक्स्ट रिजल्ट इज अवेकनिंग ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग स्टेट्स। ये दूसरी अवस्था है जी अवेकनिंग ड्रीमिंग एंड स्लीपिंग। इन अवस्था को आप कह सकते हैं जागृत, स्वप्नावस्था और मृतावस्था, ये तीन अवस्थाएं है दूसरी हैं। ठीक है, फिर आती है जी नौ प्रकार की दीप्तादि अवस्था। ये अवस्था पे हमको एक आर्टिकल लिखना था, दो साल पहले मैंने बोला था लिखेंगे, आज तो नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, इसको राज छुपाना कहते हैं। ठीक है जी, अगला है जी लज्जितादि अवस्थाएं छह प्रकार की। लज्जितादि सिक्स अवस्था, चलो तो इसको हमने बना लिया, तो इस पर हम आर्टिकल लिख ही देंगे, आधा तो डॉक्यूमेंट रेडी हो ही गया मेरा। ठीक है जी, लज्जितादि छह अवस्था हो गई। उसके बाद गर्भितावस्था, देन अवस्था शयनादि अवस्था, ये आ गई जी आपकी शयनादि अवस्था। हमें अन्य किसी प्रकार की अवस्था है अभी ध्यान नहीं आ रहा है, होगी तो उसको आर्टिकल में जरा एग्जॉस्टिवली देख लेंगे। यहाँ पर जो है पांच ही अवस्था छोड़ते, इसमें शयनादि अवस्था में अभी हमें मिल गया। जरा सा यहाँ लिखा है कि अब हम आपको बताते हैं अवस्थाओं के बारे में, जैसे शयन उपवेशन, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ इसको, जरा बढ़ाता हूँ तो आप लोग को दिखे। हाँ, तो
अब हम आपको बता रहे हैं अवस्थाओं के बारे में, यहाँ जो लिखा है, शयनादि, शयन, उपवेशन, नेत्र पानी, प्रकाशन, गमन, आगमन, सभा, आगम, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक, निद्रा। ये जो है जी चेष्टा होती है अवस्थाओं की, अश्विनी से लेकर के वो नक्षत्र गिने जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा है, और फिर गुना भाग जोड़ घटा जो करना है सो करें। तो इसमें आपने देखा कि अश्विनी इत्यादि से गणना हो रही है, हो रही नहीं हो रही जी? देखा ना सबने, बोलिए हाँ। हाँ जी। तो कौन सी दशा है जो नक्षत्र पे बेस्ड है? विंशोत्तरी इत्यादि। विंशोत्तरी। तो इसको जी आप नक्षत्र दशा में यूज करेंगे, ठीक है? अब आ गई जी लज्जितादि छह अवस्था, जरा हम पीछे चले जाएं फिर से। तो पीछे जाने से हमने ये पढ़ा कि लज्जित, गर्वित, क्षुधित, तृषित, मुदित एंड क्षोभित अलग प्रकार की अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर किसी राहु केतु के साथ हो, या सूर्य के साथ हो, या शनि के साथ हो, या मंगल के साथ हो, तो उसको लज्जितादि लज्जित अवस्था में कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कौन सी अवस्था है, इस पे आप थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पराशर साहब कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि सबसे घटिया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, और उसको पे सबसे घटिया कॉम्बिनेशन को लज्जित अवस्था बोला। अब इसमें भी देखिए दशाएं होती हैं तीन प्रकार, ये हम आपको बता दें, राज की बात है, बताना नहीं चाहते वैसे हम बता देते। पहली अवस्था होती है नक्षत्र, सॉरी तीन प्रकार की दशाएं होती हैं। पहली दशा होती है नक्षत्र दशा, जैसे विंशोत्तरी इत्यादि, इसमें दशा ग्रह की होती है। दूसरी दशा होती है राशि दशा, वो नाम से क्लियर है राशि की दशा होती है ना, तो उसमें तो आपका सूर्य शनि मंगल आएगा नहीं, उसमें आएगी राशि। तो राशि के हिसाब से आपको देखना है कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तीसरी होती है अलग प्रकार की दशा, जो राशि नक्षत्र पे बेस नहीं होती, भाव पे बेस होती, जैसे कि सुदर्शन चक्र दशा भाव पे बेस हो गई। और फिर बहुत सारी दशाएं हैं, और कुछ तांत्रिक दशाएं इत्यादि भी हैं, वो किस पे बेस होती है उसका कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें भी एक डिस्टिंक्शन मार्क हो जाता है क्लियर। तीन प्रकार की अवस्थाओं में, इसमें तीन में हमने एक को अदर रखा हुआ है, क्योंकि अदर भी कई प्रकार की दशा हम जानते हैं। एक तांत्रिक दशा हमें सिखाई हमारे मेंटर साहब ने, उस पर भी आजकल हम काम कर रहे हैं थोड़ा, जैसे कि अब वारामिहर ने जो दशा बोली है लॉन्जिविटी के हिसाब से, जो दशा देखनी है पिंडायु निसर्गायु के अनुसार, अब उसको भी हम नक्षत्र दशा और राशि दशा दोनों में किसी में काउंट नहीं कर सकते, उसको अलग दशा में काउंट करेंगे, ठीक है? तो इसमें भी दशा के फिर और आगे जाके दो भेद होते हैं, एक है भाई फलित दशा और एक है भाई आयु दशा। आयु दशा से केवल आयु की गणना होती है, और फलित दशा से केवल फलित की गणना होती है। लेकिन आयु और फलित दशा के बीच में जो फर्क आया है, ये फर्क सिर्फ जैमिनी में आता है, ट्रेडिशनल पराशरी ज्योतिष में ऐसा कोई फर्क है नहीं। जिससे आप आयु देखते हो उससे अन्य फल भी देख सकते हो, जिससे अन्य फल देखते हो उससे जो है आप आयु भी देख सकते हो, कोई दो राय नहीं है, ठीक हो गया? दशाएं अगर आप देखेंगे क्लियरली तो दो प्रकार की आपको मिलेगी, एक जिसमें ग्रह का इस्तेमाल होता है, जिसमें राशि का इस्तेमाल होता है। राशि वाली को आप छोड़ दें, ग्रह वाली को पकड़ लें। अब यहाँ जो लज्जितादि अवस्था है, इसमें हमने देखा कि अगर ग्रह पंचम भाव में हो, राहु केतु के साथ, सूर्य शनि या मंगल के साथ, माने कि पापियों के साथ पंचम में हो, तो लज्जित हो गया, यही ऋषि कह रहा है। जैसा हमने सुमित भाई को बताया था अभी कि भाई त्रिकोण माने लक्ष्मी, पापी माने गंदगी, तो लक्ष्मी के बारे में तो शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है, आप उसको कूड़ा उलीचोगे तो वो तो आपको छोड़ के भागेगी, है ना? तो लक्ष्मी तो लज्जित महसूस करेगी किसके घर में मैं आ गई, कौन है ये आदमी, ठीक है ना? तो पहली बात तो फंडामेंटल समझना पड़ेगा, लज्जितादि अवस्था का मतलब यही होता है कि आदमी को धन नहीं टिकेगा, क्योंकि लक्ष्मी से हमने जोड़ दिया ना इसको। वैसे तो फंडास में है, लेकिन वो फंडा भी तो भैया इंडियन स्पिरिचुअलिटी में और इंडियन फिलोसॉफी में आपको कहीं मिलेगा, क्योंकि आप भारतीय ज्योतिष आप कर रहे हैं, दूसरे ज्योतिषी अन्य प्रकार है, जैसे चाइनीज ज्योतिष में पता नहीं आदमी चूहा बिल्ली कुत्ता होता है, वो साल के जन्म के अनुसार तो उनके उसमें फिलोसॉफी काम करता है, भैया वो चूहे बच्चा जाना, ठीक है? तो ये लज्जितादि अवस्था भी आपको पता चल गई कि इसको भी जो है दशा में यूज करना है, लेकिन दशा विद प्लैनेट्स में है। माने कि शयनादि अवस्था जो है वो तो बड़ा क्लियर है कि सिर्फ विंशोत्तरी इत्यादि नक्षत्र सा विंशोत्तरी अष्टोत्तरी षोडशोत्तरी योगिनी इत्यादि में इस्तेमाल होती है। अन्य दशा विद प्लैनेट्स जो कि आपका वारामिहिर की भी दशा है, उसमें इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ये लज्जितादि छह अवस्था जो है ये हर उस दशा में इस्तेमाल होगी जिसमें प्लैनेट फीचर होता है। और इसको अगर आप एक प्रकार से देखें, अगर आप उस बात के फिर से पीछे जाएं
तो यह जो लज्जित आदि अवस्था का फल है, इसमें एक बात ध्यान रखें कि मैंने टेबल 1 से 5 बनाया था, देख उसमें इफेक्ट में 5 से 1 लिखता जा रहा हूँ, तो उल्टा लिखने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन लिस्ट को दोबारा देखने से क्लियर हो जाएगा। और वो दोबारा देखना आपका होमवर्क है, मैं दिखाऊंगा उसको दोबारा, ठीक है जी। तो लज्जित आदि अवस्था जो कि दशा, हर उस दशा में लगने वाली है जिसमें ग्रह आने वाला है, उसमें चीज ये है कि आपने देखा कि हाउस ग्रह की जो भाव अवस्था है माने पंचम भाव जो होगा उसका भी इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अन्य ग्रहों से उसके जो संबंध होंगे है ना, जिसमें कि सूर्य हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, और अन्य जो है राहु केतु हो गए, अन्य ग्रहों से संबंध की भी जो है उसको साथ में लिया गया है ना जी। उसके साथ जो है ग्रहों के नेचर को भी साथ लिया गया है, क्योंकि यहाँ लज्जित होने के लिए पापी चाहिए, पापी लज्जित कर रहा है, वो अच्छा ग्रह हो तो लज्जित नहीं करेगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं बुरा कॉम्बिनेशन। और जैसे दूसरा है जी गर्वितावस्था, माने गर्वित माने की बहुत घमंड हो गया है, मतलब बड़े पैसे वैसे कमा रहा है, जैसे हमें लगता है घमंड हो रहा है। तो जो ग्रह की उच्च में या मूल त्रिकोण में हो सो गर्वित होता है, तो यहाँ राशि भी ले ली है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चार्ट का होलिस्टिक एनालिसिस में आप जो जो प्रिंसिपल यूज करते हो सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और बात ध्यान रखना, सीक्रेट बता देते हैं बीच में जरा, इन लज्जित गर्वित क्षुधित तृषित मुदित एंड क्षोभित, इन छह अवस्थाओं में जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया उन चीजों का दशा प्रेडिक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, समझे ना। किन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया लिस्ट ही बना देते हैं आप लोगों के लिए। पहले हमने देख लिया भैया कि भाव में स्थिति का इस्तेमाल हो गया, ग्रह के संबंध का इस्तेमाल हो गया, फिर हमने देखा उच्च नीच का अवस्था हो गया। फिर बोलते हैं भैया कि जो शत्रु के राशि में हो या शत्रु के द्वारा देखा वेखा जाता हो, ठीक है, या शनि इत्यादि के साथ हो तो वो क्षुधित होता है, तो फिर से संबंध आ गया, ठीक है। अगर वाटरी साइन में हो मतलब जल राशि में हो लेकिन सिर्फ पापी से दृष्ट हो तो तृषित हो जाता है, तो माने इसमें राशि के तत्व भी आ गए। अब ये बात तो आप किसी ने बताएंगे दशा में इस्तेमाल करना है सर। हाँ, एक हमें पुस्तक याद आती है, पुस्तक का तो नाम भूल गए, लेकिन हम एक चार्ट पे काम कर रहे थे, वो बहरहाल हमारी गर्लफ्रेंड का ही चार्ट था, तब क्या बताएं, ज्यादा ही काम करना पड़ता है ना ऐसे चार्टों। तो उसमें क्या था कि हमने एक किताब पढ़ी, अब हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे कि भैया इसकी मृत्यु कैसे होगी। अब किसी और का चार्ट होता है तो देख के बता देते हैं, गर्लफ्रेंड के चार्ट में ज्यादा मेहनत लगती है ना। तो हमने देखा तो उसमें बोला था भाई कि अगर चंद्रमा अष्टम भाव में हो और अष्टमेश जल राशि में हो तो आदमी की जल में डूबने से मृत्यु होती, उसकी दशा में, माने दशा में जल में डूबने से मृत्यु होती है। कौन सा क्लासिक पढ़ा वो तो मैं पता नहीं, लेकिन अथॉरिटिव क्लासिक था, क्योंकि हम नॉन अथॉरिटिव क्लासिक हम पढ़ते नहीं है, किताब हम सबके लिए आते हैं, हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके अंदर से किसको गाली देने के लिए कौन सा टॉपिक निकाला हम टॉपिक चूज करते हैं, किताब ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते, ठीक है जी। तो यहाँ हमने ये देखा कि तत्व जो है राशि का उसका भी दशा में भरपूर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ, ठीक है। तो माने कि अब बोल दिया भैया कि कोई जल ग्रह में हो और जो है मेलिफिक इत्यादि का प्रभाव पड़ रहा हो तो तृषित हो जाता है, तृषित मतलब तृष्णा मतलब होती प्यास, समझे ना। तो यहाँ इस दशा में व्यक्ति को प्यास है कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊं, एम्बिशन उसके बहुत बढ़े हुए हैं इस दशा में। अब वैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे ग्रह की दशा है जो अग्नि राशि में है, तो इसका माने है कि व्यक्ति ऐसी अवस्था में है, इस अवस्था में कि वो सब जगह से अपने को पिसा हुआ महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है घर वाली घर में जीने नहीं देती, ऑफिस वाले ऑफिस में जीने नहीं देते, रस्ते में जाओ तो सर पे जो है कबूतर पे खाना करके चला जाता है, क्या हो गया है जीवन, है ना। तो चारों तरफ से कष्टकारी भाई अग्नि राशि में है ना, जहां से देखो वहां से जल रहा हूं। वायु राशि में है तो क्या हो गया, तो वायु तो हवा के जोर जोर थपेड़े होते हैं आदमी के पैर उखाड़ देते हैं, नहीं उखाड़ देते, उखाड़ देते। अब आप इसमें देखो जरा एक पैटर्न बन रहा है जरा सा, कि भाई सबसे पहले फायर साइन आया, उसमें जिम्मेदारी से चारों तरफ से घिर गया आदमी, अग्नि लगी है चारों तरफ। फिर आया अर्थ साइन, अर्थ होती है धरती जिसमें पैर रख के खड़े होते हो, जब चारों तरफ से समस्या से घिर गया व्यक्ति तब अगली सेट ऑफ राशि में गया, क्योंकि फायर के बाद अगला जो आएगा वो अर्थ ही आएगा आपका, है ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, तो आगे अर्थ आएगा। तो अर्थ राशि में इंसान अपने बेसिक सपोर्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमें एक बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन याद आती है, एक आदमी थे वो भी ज्योतिष ज्योतिषी करते थे, हॉरोस्कोप हमारे पास है कि नहीं हम जरा देख लें, एक मिनट जरा सा आपका हमारे पास वही सही, ये क्या खोल दिया मैंने, आपको बताते हैं फैंटास्टिक प्रेडिक्शन कैसे होता है।
कहानी ये थी तो ये व्यक्ति की जो है बुध दशा चालू होने वाली है। अब इसमें थोड़ा अब यार सीक्रेट बोलना पड़ेगा, फिर से बड़ी बुरी बात हो गई। खैर चलिए बोल ही देते। तो इनकी क्या मरकरी दशा चालू होने वाली थी। अब हम भी प्रेडिक्शन दे रहे थे और सामने एक और साहब बैठे थे, वो प्रेडिक्शन नहीं देते थे, वो थोड़े स्पिरिचुअल थे। वो निजामुद्दीन औलिया के दरबार से उनको कुछ मतलब था, हिथे हिंदू लेकिन निजामुद्दीन औलिया के दरबार से कुछ था उनको, जो भी था। तो बुध की दशा आने वाली थी, हमने बोला कि बुध की दशा में जो है प्रोफेशन तो ठीक रहेगा लेकिन सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि पंचमेश होकर के जो है लग्न में बैठा है तो लक्ष्मी के लिए तो बड़ा बढ़िया, लक्ष्मी तो आ रही है, लेकिन अष्टमेश होकर भी लग्न में बैठा तो सेहत भी जा रही है। तो हमने बोला है कि 100 रुपया कमाओगे 90 रुपए की दवाई खा जाओगे, ये अवस्था होगी। क्योंकि क्योंकि बढ़िया प्लैनेट भी नहीं ना लग्न में बैठ करके जो है, एक तो दूसरे जो है योग कारक को मारेगा वीनस जो कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होगा है, और केंद्रीय सूर्य को भी मारेगा, तो केंद्रीय सूर्य को अपने प्रभाव में लेगा, केंद्रीय सूर्य को और खराब करेगा, तो वो हेल्थ का एक और खराब फैक्टर हो गया। तो हमने बोला कि सेहत का ध्यान रखना, पैसे तो आएंगे लेकिन पैसे जाएंगे भी, क्योंकि प्लेनेट अच्छा है नहीं, ठीक है जी। लेकिन सामने जो स्पिरिचुअल आदमी बैठे थे उन्होंने बोला कि इस दशा में तुम घर जाके खेती बाड़ी करो। अब ये तो बात नहीं कि भैया उसने घर जाके खेती बाड़ी क्योंकि किस लिए कि हम नहीं जानते, आदमी अच्छा था जब दिल्ली में स्टार्टिंग से दिल्ली में थे, 30-35-40 साल दिल्ली में रहे, दिल्ली में वैसे बिजनेस खराब ही चल रहा था लेकिन जब अच्छा चलता था तो आदमी ने 2-3-4 करोड़ रुपए भी कमाए थे महीने के, और जब बुरे दिन चलते थे तो भैया कारपेंटर को भी पैसे देने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है ना। ये प्रगति मैदान में एग्जीबिशन का जो भी था ठेका एक्सेट्रा लिया करते थे। अब बात यह नहीं उसने क्या सलाह दी, बात यह है कि आदमी सच में गांव चला गया सब कुछ को छोड़ के, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मरकरी की दशा चल रही थी, मरकरी वक्री था। अब राशि में आप देखो एरी राशि में, लेकिन एरी राशि पे जरा हम क्योंकि अभी हम तो वो कर रहे हैं ना, ये आपका जो है फायरी के बाद हम जो है अर्थली पे आ गए, अभी एरी पे आने वाले हैं। बट अर्थली हमने बोला कि जमीन से जुड़ाव जो है आपका, क्योंकि फायर में तो आप चारों तरफ से आग जली, लपटों में बीच में आप पड़े हैं, घर में पत्नी मारते, ऑफिस में बॉस मारता है, क्या करें सर, रस्ते का ही समय बढ़िया हो रहा है सर, फुटपाथ में जो समय गुजार लेता हूँ वही सुकून में गुजरता, वहां गुजरता नहीं, तो अग्निशान वो तो अग्नि राशि हो गई आपकी। फिर जब आपकी पृथ्वी राशि आई तो आप एक सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि मैं किस सपोर्ट पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मरकरी जो है ना, मरकरी बुध जिसको हम कहते हैं अपनी प्यारी भाषा में, कुमार कहते हैं, सौम्य कहते हैं, क्या क्या नाम है बुध है, इलाकापति है बुध। तो बुध जो है वो बुध दर्शाता है पृथ्वी तत्व। तो इसकी दशा में क्या हुआ कि व्यक्ति अपने पृथ्वी के पास चला गया, अपने होमलैंड चला गया, और उस होमलैंड में जाकर उसने काम कर दिया चालू, ठीक है। लेकिन उसी के बाद फिर हम अगली बात में आ जाते हैं। अगली बात क्या है कि भैया एरी शाइन में है। अब एयर में क्या होता है, एयर में आता है जी बवंडर। अमन जी यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, तो जी क्या है कि आपकी बात लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। जिनको जिनको समझ में नहीं आ रही उनके लिए और कर देंगे इंग्लिश में, कोई बात नहीं, बहुत समय मेरे पास। हाँ जी अब हम आते हैं एरी पे। तो एयर में क्या है कि बाउंडर चलता है, रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको, सबको मिलेगी रिकॉर्डिंग, सबको मिलेगी। तो अब एरी में क्या है कि आदमी के जीवन में बवंडर है, वो घर को चला गया लेकिन घर की भी समस्याएं हैं उसकी। तो एरी में जीवन में बवंडर और वॉटरी का था वो पता चली गया कि वो वॉटरी का, जैसे कि पराशर साहब ने खुद ही लिखा है ना कि भैया व्यक्ति जो है तृषित है, उसको तृष्णा है किसी चीज को पाने की। तो इसको मैं कहता हूं प्रिंसिपल के पीछे घुसना। आप पराशर की बात को सुनेंगे, कॉपी में लिखेंगे, नोट करेंगे, छोड़ देंगे, 4 साल इस्तेमाल करेंगे, 25 साल रट जाएगा, लेकिन आप प्रिंसिपल के पीछे कब जाएंगे? आप प्रिंसिपल के पीछे नहीं जाएंगे तो ज्योतिषी किस काम के, अब रट्टू तोते हो गए। एक होता है बुध वाला ज्योतिषी, उसको कॉम्बिनेशन याद होते हैं 50, वो लगा देता है 15 कॉम्बिनेशन फल बोल देता है, उसका कुछ भरोसा नहीं। एक होता है जुपिटर वाला एस्ट्रोलॉजर, उसने चीज को समझा हुआ होता है, याद वो कुछ रखता है, कुंडली देखता फटाफट रिजल्ट बोल देता, सारे रिजल्ट ठीक हो जाते हैं। अब ये मरकरी हमने देखा उस कुंडली में, अगर आपको याद ना हो तो फिर से बताते हैं, इस कुंडली में मरकरी जो है वो अर्थ तत्व का ग्रह होने से व्यक्ति को अपने घर तो ले गया वापस, लेकिन है तो भैया वायु राशि में ना, तो घर में जाके भी बवंडर हुए, बवंडर चलते ही रह गए। अच्छा इसमें एक खास बात है भाई, राज की बात है, वो हम बता दें
कि जैसे मरकरी हमने बोला पृथ्वी तत्व का है, अगर वो पृथ्वी तत्व की ही राशि में होता, माने कि अगर तत्व मिल मिल जाते तो व्यक्ति को घर जाने से उसके जीवन में बवंडर नहीं आते, वो शांतिपूर्वक घर में रह लेता, कम से कम बुध दशा तक तो रह लेता, बुध दशा तक ना रहता तो बुध में बुध की अंतरदशा तक तो रह लेता, दशा क्षेत्र तक तो रह ही लेता। बीच बीच में ना शुभम आपका वॉइस ना बीच बीच में बहुत लो हो रहा है ना। अच्छा अच्छा वो मेरे ज्यादा घूमने की वजह से हो रहा होगा शायद। हाँ अभी ठीक हो गया। हाँ ओके 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 एक्चुअली वो अच्छा मुझे जोर से बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं हल्का हल्का स्लो बोलने लग जाता हूँ। एक मिनट आप लोग होल्ड करें जरा। वो पानी की कमी के कारण गला सूखने से हो गया, पानी मंगवाया थोड़ा सा। अरे 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता रहता है, जीवन है। अब हम भी तो भाई दूषित अवस्था में पहुंच गए ना। आप तो हमारे भाई चंद्रमा चल रही हो, सुख दशा प्राण दशा कहीं हो जाता है। अब अगली बात पे आते हैं भैया, पराशर ने फिर क्या बोला। तो जो भी बात थी बात हमने खत्म कर दी कि ये जो अवस्था है लज्जितादि अवस्था, इसका इस्तेमाल, थैंक यू, इसका इस्तेमाल आप करेंगे हर उस दशा में जिसमें प्लेनेट फीचर होता है, ठीक है जी। इस लज्जितादि अवस्था में जिस जिस फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उन सारे फैक्टर्स को आप लोग लिख लेंगे और दशा में केवल उन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। अब आगे देखिए, मित्र राशि की बात है, बेनिफिट की फिर बात है, आगे फिर सूर्य की बात है, शत्रु की बात है, और इन सब की बात है। इसमें एक बात बड़ी गौरतलब है, बहुत गौरतलब है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन चलो गाली खा लेंगे लोगों की, लेकिन सच बोल दें, गाली खा लेते हैं सच बोल देते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ग्रह जो है भैया मृत्यु भाग में हो तो ग्रह की दशा में मृत्यु हो जाएगी। अब यहां आपने दशा प्रिंसिपल में देखा कि मृत्यु भाग इत्यादि का खास जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि ग्रह अगर मृत्यु भाग में हो तो दिखाता है कि इंस्टेंट डेथ हो जाएगा, उसकी दशा वशा में डेथ होगा ऐसे नहीं दर्शाता। हाँ अगर उसने इंस्टेंट डेथ नहीं दिया तो उसकी दशा में कंसर्न रिलेटिव का फल होगा, लेकिन व्यक्ति का मृत्यु भाग में ग्रह जो होगा वो पैदा होते ही एक्टिवेट हो लेगा, ठीक है जी। इसको आप उस कुंडली में देखना जहां दो जुड़वा भाई पैदा हुए थे, एक मर गया एक बच गया। मेरे पास बड़े हॉरोस्कोप हैं, ऐसे आप लोग जमा करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, पता चले। अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी भैया लज्जितादि अवस्था। अब इसके ऊपर आती है जी दीप्तादि अवस्था। अब ये दीप्तादि अवस्था का क्या खेल है ये हम थोड़ा समझे। अब हम वापस बैक टू पराशर, बैक टू पवेलियन हो जाएं, तो हम देखेंगे कि देयर आर नाइन, हिंदी में बोलना है ना, नौ प्रकार की अन्य अवस्था होती है, दीप्त स्वस्थ प्रमुदित शांत दीन विकल खल एंड को। ये अवस्था होती है भैया ग्रह के उच्च में रहने से, स्वग्रह में रहने से और जो कुछ भी रहने से। दशा प्रवेश में अगर आपको मालूम हो तो हमने एक चैप्टर पढ़ाया था 18 अवस्थाएं दशा की, 18 स्टेट्स ऑफ दशा। हमने उस वीडियो को जो है आजकल पब्लिक भी कर दिया था, हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा। तो पराशर ने जो है ना ग्रह के 18 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं इन्हीं वजहों से। इन्हीं मतलब पराशर का क्या है ना कि पराशर के नाम पे जो आपको आज मिल रहा है सुख स्टडी है, यहाँ से मिला वहां से मिला, चार बात यहाँ से चार बात वहां से, खास करके कुछ चैप्टर्स में ये बात बड़ी खासियत से हुई है। जैसे ये भी आप जो पढ़ रहे हैं पराशर से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अवस्था चैप्टर है इसमें ज्यादा मिलावट नहीं है, लेकिन कुछ अन्य चैप्टर्स में ज्यादा मिलावट है। वो मिलावट इत्यादि आप पकड़ पाएंगे जब आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा ना, जब ज्यादा क्लासिक क्लासिक पढ़ जाएंगे तो आप मिलावट पकड़ने के लायक हो जाएंगे। स्टार्टिंग में नए नए बच्चों को पकड़ नहीं आता, हम भी नए नए थे हमें भी पकड़ में नहीं आता, फिर हम थोड़े पुराने हुए। वो दिल्ली में कहावत था ना पुराना चावल, जब हम पुराने चावल हुए तो हमें भी पकड़ में आने लगा, मैंने कहा अच्छा चाहिए मिलावट यही है जो भी है। तो यह जो अवस्थाएं हैं ये अवस्था होती है भैया ग्रह के एग्जाल्टेशन एटसेट्रा, है ना। तो यहां पर भी आपको एक बात पता चल गई कि यह अवस्था भी तभी इस्तेमाल होगी जबकि ग्रह की दशा आएगी, है ना। मतलब राशि तो एग्जाल्टेड होती नहीं है ना, ये राशि कैसे एग्जाल्टेड होगी, राशि तो एग्जाल्टेड हो नहीं सकती, ग्रह ही एग्जाल्टेड होता है। तो दीप्तादि अवस्था भी आप सिर्फ ग्रह वाली दशा में इस्तेमाल करेंगे, राशि वाली में नहीं करेंगे, ठीक है जी। ओके, लेकिन यहां एक खेल है छोटा सा, थोड़ा सा हल्का सा।
हल्का सा खेल ये है कि जब किसी राशि में कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो राशि का भी बल बढ़ जाता है। ये बात जैमिनी महाराज ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोली। जैमिनी महाराज ने कहा है कि भैया अगर आपको दो राशियों में कौन बली है ये देखना हो तो ये देखें कि किसमें अधिक ग्रह है। अगर ग्रह समान मात्रा में हो तो जिसमें उच्च इत्यादि ग्रह हो उसको बलशाली समझें। तो माने कि ग्रह के बलशाली इत्यादि होने के फल जो है राशि को भी एक्वायर हो जाते हैं, राशि भी ले लेती है। कि हमारे घर में तो एक आईपीएस बैठा है, तुम्हारी हम क्यों सुनेंगे, हम तो हमारे घर में आईपीएस है तो हम ही हो गए पावर में, बेशक हम कितने बड़े चोर ठहरे, घर में आईपीएस बैठा है तो हम तो खुश हैं, आईपीएस हमारे पास क्यों जी। लॉजिकल लग रहा है ना, लॉजिकल तो नहीं लग रहा, पता चले कि नहीं आप लोग कल को बोलेंगे शुभम जी तो दारू पी के क्लास लेने बैठ जाते हैं। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं ये मेरा स्टाइल है, मतलब थोड़ा मैं मजाक वजाक करता रहता हूं, तो डोंट टेक इट टू सीरियसली, हाउस में बैठे तो ये एग्जाल्टेशन एटसेट्रा जो अवस्था है इसका प्राइमरली जो इसका फल बोला गया है कि जैसे उच्च का ग्रह जो मैंने बोला कि सम्मान देगा इत्यादि, ये सब अवस्थाएं तो प्राइमरली उसी दशा में होंगी जो कि ग्रह से डायरेक्ट संबंध रखता है, अष्टोत्तरी योगिनी इत्यादि। योगिनी नहीं, क्योंकि योगिनी में योगिनी में दशा होती, ग्रह की नीचे ग्रह सेकेंडरी आता है योगिनी, है ना, समझ रहा है ना फर्क, समझ रहा है ना, कैलकुलेशन का फर्क है थोड़ा सा। कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखेंगे आपको 10 नई बातें देखने में आ जाएंगी, है ना। आप कैलकुलेशन को लेके अंधे बने रहेंगे, जिंदगी भर कुछ नहीं समझ पाएंगे, एक अक्षर ज्योतिष का ज नहीं समझ आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा जरूरी है, कैलकुलेशन होती है। जो जो आदमी चले चक्र यूज करता है सबको मैं यही कहता हूँ कैलकुलेशन देख लो, चलो भैया कहाँ गलत। दो आदमी ज्योतिष की दुनिया में बड़े खराब पैदा हो गए, एक हो गया श्रीपति एक हो गया केशव, इनको कभी मत पढ़े भैया। केशवी जातक पद्धति और श्रीपति पद्धति किताब खरीदें और जला दें, ठंड के मौसम में गर्मी देने के काम आएगा, बता रहे हैं आपको। बहुत अच्छा इस्तेमाल है इन पुस्तक का, पढ़ना कभी मत। बहुत मतलब ठीक है, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, हम नहीं करते, ठीक है। ये तीन अवस्था हमने देख ली, अब आते हैं जरा ऊपर वाले पे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। ये बड़ा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, पंचदशी में बड़ा प्यार से बताया इसको। तो तीन अवस्था होती है जो कहां चली गई, प्लैनेट अपने ग्रह में हो तो जगा होता है, मित्र की राशि में हो तो सपने लेता है, शत्रु की राशि में हो तो सो जाता है, ये बोला है ऋषि ने। इसका क्या है, इसका ये है कि हमने आपको बोला है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल पहले, कि ग्रह तो भैया पहले नवांश में, सॉरी क्या कहते हैं, अरे यार उभयोदय राशि में हो तो पहले फल देता है, सॉरी उभयोदय राशि में हो तो बीच में फल देता है, शीर्षोदय राशि में हो तो पहले फल देता है, पृष्ठोदय राशि में हो तो अंत में फल देता है, ये हो गया जी फल नंबर एक। फिर इसी बात का कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि अगर ग्रह पे भैया पापियों की दृष्टि हो तो आखिरी पार्ट में फल देता है। अब हमने बोला कि भाई ऋषि के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन तो हो नहीं सकता, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे होगा कि भैया किसके फल देगा अंत में, अंत में फल देगा बुरी दृष्टियों के, तो माने दृष्टि के फल ग्रह अंत में दे रहा है, दृष्टि युति के ग्रह फल अंत में दे रहा है, बीच वाले पोर्शन में भाई भावाधिपत्य के फल दे रहा है पहले पोर्शन में जो है, राशि स्वभाव अनुसार फलम बुद्धि ग्रह के फल दे रहा है। है संस्कृत तुम्हारी वैसे बढ़िया नहीं है, श्लोक याद वाद हमको ठीक से रहते नहीं है, फिर भी एक आधा आ जाता है दिमाग में, वैसे श्लोक करता नहीं है अभी बोलते लिया संस्कृत थोड़ी है। तो ये जो अवेकनिंग ड्रीमिंग और स्लीपिंग है ये उन अवस्थाओं के बीच का सामंजस्य है, ठीक है जी, ठीक है जी। जब दो चीजें खास करके दृष्टिकोण देखिए, फिर से कैलकुलेशन वाली बात, तीन क्या होता है, यहां तीन है ना, अवेकनिंग ड्रीमिंग स्लीपिंग, तीन, एक अवेकनिंग एक ड्रीमिंग एक स्लीपिंग, एक जागृत एक स्वप्नावस्था एक सुषुप्ति, तीन अवस्था हो गई। ज्योतिष में तीन क्या है, आप दशा प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं तब से, तो उसमें आपको तीन तो एक बार समझ में आए कि तीन दृक्कान है और दृक्कान पे भी दशा के फल बोले हुए हैं। तो दृक्कान के फलों में जब कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, जो भी तीन है तीन तीन वालों के फलों में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, माने कि उभयोदय पृष्ठोदय शीर्षोदय भी तीन हुए, दृक्कान वाले भी तीन हुए, जब इस तीन तीन में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को निपटाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे जो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति। क्लियर है, समझ आ रहा है, हाँ। अब आ गई जरूरी बात, सबसे जरूरी सबसे पहले वाली बात, नंबर वन वाली, इसमें जरा हम लिस्ट में लिख दें कॉन्ट्राडिक्शन।
माने कि कॉन्ट्राडिक्शन के मामले में ही इसको यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। अब आगे बालादी पांच अवस्थाएं बहुत जरूरी, बालादी पांच अवस्था इसमें बोला है भैया 66 डिग्री के हिसाब से काटा है, 66 डिग्री। अब फिर से देखिए, मुझको जब ज्योतिष में कुछ समझ नहीं आता मैं तीन काम करता हूं। पहली बात, मैं भैया इंडियन फिलोसॉफी में घुस जाता हूं, भैया भारतीय फिलोसॉफी का इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि उसके अंदर से ही तो बात निकलेगी ना सारी की सारी, सारी कहानी तो वही छुपी है। अब भारतीय जैसे उच्च की बात होगी, अब उच्च नीच में बड़ा फर्क आदमी समझता है, भाई उच्च नीच क्या, उच्च नीच क्या, उच्च नीच क्या, कभी समझ में नहीं आता, बड़ी मुसीबत बात। लेकिन फिर जब हम इंडियन फिलोसॉफी में जाएं तो उच्च कौन है, जिसके पास पैसे हो तो दान करे है, पोजीशन हो तो सम्मान करे, वही तो उच्च अवस्था में है ना भाई, वही तो उच्च है। तो उच्च माने क्या, उच्च का अब आप ग्रह के उच्च के फल देख लो, बड़ा कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। तो फिर आप इंडियन थॉट में चले जाओ कि जब ग्रह उच्च का होगा तो आदमी को वो सारी चीजें मिलेंगी जो उसको चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि धन हो तो दान करे, पोजीशन हो तो सम्मान करे, है ना। तो माने सूर्य के उच्च की दशा आ गई तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो मिल गई, लेकिन अगर आपने अपने नीचे वाले से बदतमीजी करनी चालू की तो वही सूर्य आपको गिरा के भी जाएगा। तो ये तो भाई पहला तरीका होता है कि जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हम इंडियन फिलोसॉफी में घुस जाते हैं कि भैया वहां देखो क्या इस्तेमाल है। जैसे अभी हमने बोला जागृत स्वप्न सुप्ति का पंचदशी में बड़ा बढ़िया बोला है, पंचदशी पढ़िएगा कभी। अब आते हैं दूसरी बात, उसके बाद अब आते हैं बात पे। वो दूसरी बात ये कि अगर हमें इस प्रकार से भी पता नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, तो ये दूसरा है सिमिलर शब्दों का अन्य जगह पे इस्तेमाल देखें, सिमिलर शब्दों का अन्य जगह पे इस्तेमाल देखें। आप जैमिनी देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि एक शब्द है मंद। अब मंद को कहीं लोगों ने लग्न लिया है, कहीं शनि ले लिया है, तो उसमें हम ये समझे कि यार कंट्राडिक्शन तो नहीं हो सकता, दोनों का जो है एक ही मतलब लेना पड़ेगा, दोनों जगह पे एक ही मंद लेना पड़ेगा, बार बार अलग अलग मंद थोड़े ले। तो वहां हम समझे कि नहीं, शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बड़ी कुशलता से किया गया है भाई। तो सेम शब्द का दूसरे किस जगह पे किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको, बहुत ही ध्यान से। जैसे कि भाई कारक मारक बोला है लघु पराशरी में और कारक मारक बोला है राजयोग में, तो इसका मतलब क्या है कि लघु पराशरी का जो कारक मारक है वो राजयोग के कारक मारक के जैसा ही काम करेगा, समझे ना, ऐसे समझना है इसको। शुभ अशुभ नहीं बोला है, कारक मारक बोला है। ये हो गया जी दूसरा मेथड। अब आते हैं तीसरे मेथड पे जो कि इस रूल से संबंध रखता है प्रत्यक्ष। वो तीसरा रूल है कि हम क्या करें कंफ्यूजन की अवस्था। तो इस कंफ्यूजन की अवस्था में हम जो है मैथमेटिक्स को लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सबसे मूल है मैथमेटिक्स। हर चीज में मैथमेटिक ही मूल होता है, जिस ब्रिज पे आप चल रहे हैं वो भी मैथमेटिक, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं सो भी मैथमेटिक, है कि नहीं जी? ये जो हम लैपटॉप चला रहे हैं सो भी मैथमेटिक। तो सारा काम मैथमेटिक से हो रहा है, मैथमेटिक बड़ा फंडामेंटल है, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपके शरीर में ही है ना, चार उंगली पांच उंगली तो शरीर में ही है ना, मैथमेटिक तो सारा। तो अगली बात है भैया गणित, गणित बड़ा मूल है, गणित नहीं पढ़ा ये उसकी भूल है, जो भी है। तो यहाँ पर छह छह में काटा गया है, जरूरी बात पे आते हैं, बहुत हुआ मजाक, यहाँ पे छह छह में काटा हुआ है, छह मतलब क्या। अब फिर से आप जाएं पुरानी बात पे, और आप मुझे ये बताएं कि छह का ज्योतिष में और कहाँ इस्तेमाल हुआ है। हमने तीन बातें बोली, पहली बात इंडियन फिलोसफी, दूसरी बात सेम जगह का कहीं और इस्तेमाल, तीसरी बात गणित।
अब मैं तीसरी बात गणित पे तो आ गया, मुझे पता चल गया ये छह छह हिस्सों में काटा है इसको, ठीक है। अब मैं दूसरी बात पे जाता हूँ, और वैदिक ज्योतिष में इसका इस्तेमाल कहाँ है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ छह, तो आपके कान में घंटी बजनी चाहिए रिंगा रिंगा रोजेस करके, वो घंटी होनी चाहिए छठा भाव छठा भाव छठा भाव, है कि नहीं है। अब आप देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष में तीन वर्ग कुंडली नहीं बनती है, D5, D6, D8 और D11, है ना। किसी ने हमको चैट पे मैसेज भेजा है, कोई एक चार्ट में जो दशा प्रैक्टिकली कैसे करें, हाँ हाँ एंड में चार्ट लेंगे। हाँ जी, इसके बाद सीधा चार्ट पे ही कूद जाएंगे, बहुत मजा है, चार्ट देखने में ही तो मजा है, बाकी तो सब पढ़ाना व्यर्थ है। ये तो वैसी बात है ना कि दुल्हन को सजा संवार दिया, शादी हुई नहीं, क्या मजा आया, कोई मजा नहीं आया। तो मजा तो कुंडली देखने में ही है भैया, सजा संवार के कोई फायदा नहीं है ना। कहानी तो मैं आपको सुना दूंगा चार पांच घंटे लंबी, कुंडली पे लग नहीं रहा है, मजा नहीं है ना। ठीक है, आते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में चार कुंडलियां नहीं बनती, D5 नहीं बनता, D6 नहीं बनता, D8 नहीं बनता, D11 नहीं बनता, D8 नहीं बनता उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है अष्टक वर्ग, D6 नहीं बनता उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है बाल आदि कुमार आदि अवस्थाएं। शुभम, हम लोग तो बनाते हैं ये सब कुंडली मैम। ये जो D6 इत्यादि है ये ताजिक नीलकंठी से आया है, ताजिक नीलकंठी नाम से एक पुस्तक है जो नीलकंठ ने लिखी है, जो कि 14वीं 15वीं मालूम है। हाँ, तो ये ताजिक सिस्टम है जिसमें आप D6 D7 बनाते, D6 और D5 बनाते हो। ताजिक सिस्टम में सिर्फ D12 तक ही डिजिटल चार्ट यूज होते हैं, D16 D20 तक इस्तेमाल नहीं होता। D8 दोनों यूज करते हैं, और जो D5 साधना के लिए, और D11 ओवरऑल प्रोफेशन में भी हम इसको देखते हैं। जी वो बिल्कुल आप देखते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। बट टेक्निकली देखिए, अपना एक ये हमेशा रहता है कि हम उस चीज को समझें जो ऋषि है ना। अंत में तो देखिए कि अगर आप देखने की बात करेंगी तो कुछ भी देखा जा सकता है, राइट। अगर आप ऋषि की बात पे जाती हैं तो ऋषि बोलते हैं कि D9 को देखो प्रोफेशन के लिए, है ना। प्रिंसिपल तो वही है कि भैया लग्न से दशम का स्वामी इस नवांश में बैठा हो, लेकिन हम लोग डिटेल देखते हैं। तो काम करता है काम नहीं भी करता है, लेकिन मेरा मतलब ये रहता है कहना कि ऋषि की बात पे आप जाने की कोशिश करें पूरा। तो D5 D6 D8 और D11 का इस्तेमाल जो है ताजिक सिस्टम में होता है, और अगर आप ताजिक सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ताजिक में अलग दृष्टि होता है, ताजिक में अलग मित्रता शत्रुता और सब कुछ होता है। तो हमारे हिसाब से उसको होलिस्टिकली अलग ही प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, मिक्स एंड मैच करने से जो है समस्याएं ही अधिक उत्पन्न होती है, रिजल्ट्स अधिक उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। और उसमें बहुत बार ना कन्फ्यूजन का स्टेट इत्यादि हो जाता है कि अब आप देखो कि अगर हम D5 पे, विशाल जी मेरे गुरु हैं, विशाल जी भी D5 देखते हैं, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है ना कि D5 भी साधना हो गया D6 हो गया, तो फिर कन्फ्यूजन आ जाएगा बीच में। अब ताजिक नीलकंठी वाले ने D5 तो बोला, D20 बोला नहीं है, तो अगर आप ताजिक को पूरा यूज करेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर आप मिला देंगे तो एक D20 बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैं सलाह नहीं देता इसको यूज करने की। हाँ, ताजिक सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, माने कि कभी वेबिनार अगर आप ताजिक को पूरा पढ़ेंगी तो ताजिक के हिसाब से आप उसको यूज कर सकती है। जैसे ताजिक में तो दृष्टि भी अलग है, ग्रह की गणना का प्रकार भी अलग हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसमें जो है मित्र शत्रु भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो मतलब उसको आप ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकती है, काम भी करता है, लेकिन उसको होलिस्टिकली अलग सिस्टम की तरह ही इस्तेमाल करना बेहतर है। मिला देने से भ्रांतियां कंफ्यूजन ज्यादा उत्पन्न होती है बजाय क्लियर प्रेडिक्शन। लेकिन इस पे जो है, इस पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ताजिक वाले पे जो है ना थोड़ा अगला वेबिनार जो है जरूर करेंगे इस, ये इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, और ये अच्छा हुआ कि आपने याद दिलाया है। इसके बारे में बोला मैंने 2-3 दफा, लेकिन कभी कुछ किया नहीं है। इसको इस पे आर्टिकल एक लिखता हूं मैं, और इसको जो है करते हैं, ठीक। तो यहां तक तो क्लियर है दशा वाले में। तो 42-43 दशा के प्रिंसिपल होते हैं जो हमें मोटा मोटी याद है, क्या ना। 42-43 में देखिए भैया, ये 5 प्रिंसिपल तो यही हो गए, लघु पराशरी के प्रिंसिपल और ये सब और वो सब। तो इस पे दशा पे मेरा एक पूरा लंबा चौड़ा कोर्स है, क्योंकि दशा एक ऐसा टेढ़ा खेल है जो कि आपको कम समय में समझाया नहीं जा सकता। अच्छा, इस वेबिनार में हमारी खास जो हम बात बोलने वाले थे, देवेंद्र जी से एक बात बोलने वाले थे भैया, बड़े दिल की मेरे बात है, बड़े दिन से कसक रह गई थी, वो मैं बोलना चाहता था, तो कसक में बोलता हूँ जरा।
क्या है कि ये बात कह देना कि दशा बताओ बहुत आसान, लेकिन बात है कि दशा क्या है, है ना। तो ऋषि कहता है ग्रह ने जो भी फल प्रॉमिस किया है वो दशा में देगा। अब यहाँ सबसे जरूरी है ये जानना, पार्डन पार्डन पार्डन, ग्रह ने जो भी फल प्रॉमिस किया है हाँ वो दशा में देगा। अच्छा, अब प्रॉमिस क्या किया है वो आपको देखना पड़ेगा भाव से, राशि से, कॉम्बिनेशन से, सबसे। अब हमारे साथ समस्या ये है कि हमको दृष्टि और युति का फर्क नहीं मालूम, मालूम है नहीं मालूम है। हम तो कह रहे हैं भाई शनि ने देखा चंद्रमा को तो भी वही फल, शनि बैठा चंद्रमा के साथ तो भी वही फल, यही बोल रहे हैं ना, यही तो हम करते हैं। लेकिन इसमें जरा हम आपको डिफरेंस दिखाते हैं, अभी कभी दिखाएंगे, बहुत मजा आएंगे, अभी करते हैं हल्का सा। आप लोगों के पास समय हो तो थोड़ा सा, और हम लोग डेढ़ घंटे के आसपास पहुंच गए, बट स्टिल जो मैं दिखाना चाहता हूं वो तो मैं दिखा के मानूंगा। बृहत जातक को हम देखते हैं जरा सा, हाँ गया। आप ये देखेंगे जो अभी हम देखेंगे 10 मिनट में, थोड़ी देर में जरा सर्च हो जाए हमारा। ओहो आ गया, बृहद जातकम विथ विवृति और भटोत्पल, हियर वी गो, ये होगा जी हिंदी में, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इसी में हो जाए। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर युतिफल है कि नहीं है, ये मुझे देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से इसमें है नहीं युतिफल। चंद्र योग, द्विग्रह योग, ये रहा द्विग्रह योग, तो ये रहा दृष्टि के फल है इसमें, ठीक है। द्विग्रह योग स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 283, ठीक है जी 283। अब देखिए आप यहाँ आप एक चीज देखेंगे, चंद्रमा मैं लेता हूँ क्योंकि चंद्रमा का एग्जांपल बड़ा इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं है, ये श्लोक कहता है कि भैया कूटस्त्रिया सव कुंभस, ये क्या कूटस्त्रिया सव कुंभ पन्नम शिवम मातु सवक्र शशि संघ एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें बोला है भाई यदि चंद्रमा मंगल से युत हो तो नकली द्रव्य, स्त्री, मदिरा और घड़े का विक्रय करने वाला होता है, माता को कष्ट देने वाला होता है, ठीक है भाई, पढ़ लिया ना हमने। ये चंद्रमा मंगल की युति के फल हैं। अब जरा दृष्टि के फल देख लेते हैं, ये मैंने बृहद जातक लिया इसलिए क्योंकि इसमें युति दृष्टि दोनों के फल दिए हैं। अब जरा हम दृष्टि के फल देखें, दृष्टि का फल कहाँ है इसमें, एक मिनट चैप्टर में जरा देख लू, रिक्तशिला अध्याय दृष्टि फलाध्याय ये रह गया ना। अब देख रहे हैं 335 में है ये, 335, लेट वी सी नाउ दृष्टि, ठीक है जी। अब चंद्रमा पे हमको सूर्य देखना था ना, चंद्रमा पे हमको मंगल देखना था, देखो जी। अब आप यहां पे देखेंगे कि इसमें बोला है चंद्रे भूप बुधो निरपोपम गुणो एटसेट्रा एटसेट्रा, द रिजल्ट इज यदि मेष में चंद्रमा हो और मंगल आदि ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक क्रम से राजा, पंडित, राजा का तुल्य, गुणवान, चोर और निर्धन होता है। 6 ग्रह 6 फल, ठीक है ना। 6 ग्रह कैसे, राहु केतु को कंसिडर किया नहीं और चंद्रमा क्वेश्चन में, तो चंद्रमा चंद्रमा भी दृष्टि डालेगा नहीं, 6 हो गए, ठीक है। अब आप ये देखो कि चंद्रमा मंगल से देखा जा रहा है तो राजा बना, पहले तो राजा कोई फल में बोला नहीं था, उसने राजा बोला था पहले, बोला नहीं था पहले, तो वही बोला ना भैया कि घड़े का विक्रय करेगा, माता को कष्ट देगा, मदिरा पिएगा, स्त्री को कष्ट देगा, अभी बोल रहा है राजा। तो आप देखो कि भाई वारामीर तो साफ कह रहे हैं दृष्टि युति में फर्क है, सीधा श्लोक में दिख रहा है आपको, लेकिन हमारे लिए दृष्टि युति एक ही बात, हम तो कह रहे दृष्टि हुए तो भी वही फल, युति हुआ तो भी वही फल, हमें ऊंच नीच में फर्क, हमें ऊंच नीच में चलो फर्क मालूम है, हमको ऊंच और मूल त्रिकोण में फर्क ही मालूम नहीं होता, हमें पता ही नहीं ऊंच का ग्रह क्या फल देगा, मूल त्रिकोण में क्या फल देगा, हम दोनों को बोलते हैं गुड, यही होता है ना हमारे साथ। जब आपको युति दृष्टि का फर्क नहीं मालूम महाराज, जब आपको इन सब का बेसिक, बड़ा बेसिक है ये, बहुत ज्यादा बेसिक है पता है आपको, लेकिन अवस्था है कि लोगों को मालूम नहीं है, हम सब चीज को एक ही जगह गड्ढमंड कर देते हैं। सप्तमेश उच्च का हुआ तो भी यही फल, मैं आपको बता रहा हूँ सप्तमेश उच्च का होगा दो शादी करवा देगा,
सप्तमे स्वग्रह होगा, पहली शादी कभी नहीं टूटेगी, फर्क नहीं है दोनों में, जमीन आसमान का फर्क है, दो शादी में और शादी ना टूटने में फर्क नहीं कहते आप मुझे, मैं बता रहा हूँ फर्क होता है। उच्च का कोई भी ग्रह, सुमित जी को मालूम है एक लड़की का हॉरोस्कोप देखा था, उसका चंद्रमा उच्च का था, मैंने बोला दो शादी होगी, उसकी दो शादी ही शी टोल्ड। अब आप बोलो कि कि सप्तमेश उच्च का है तो वो तो बहुत बढ़िया हो गया, स्वग्रही सप्तमेश को आप देख लेना, आदमी मर जाएगा शादी नहीं टूटेगी, अलग हो जाए, डिवोर्स फाइल कर दे, 10-10 साल लोगों के डिवोर्स केस लड़के जाते हैं, डिवोर्स नहीं होता, दूसरी शादी नहीं कर पाता, उच्च का होगा सप्तमेश खड़ा दूसरी शादी करवा देगा, स्वग्रही में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन रामदेव कुंडली को देखेंगे हम क्या बोलेंगे, अच्छा ग्रह है अच्छे फल देगा, अरे अच्छे फल मतलब क्या, अच्छा भैया अब उच्च का दो फल क्यों है शादी, क्योंकि उच्च का ग्रह राजा होता है, अब राजा को तो बहुविवाह प्रथा का शौक है ना, लेकिन स्वग्रही प्लेनेट क्या होता है, अपने घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है तो बीवी डोमिनेंस करेगी उस पर, कैसे नहीं करेगी, इसका रेमेडी का भी बड़ा इस्तेमाल हो जाता है। अब मान लो मूल त्रिकोण हो गया और स्वग्रही हो गया, स्वग्रही माने अपना घर, मूल त्रिकोण माने क्या, इंडियन फिलोसफी में जाता हूँ, त्रिकोण योनि का स्वरूप होता है, कामाख्या में देखा होगा आपने, है कि नहीं, तो मूल त्रिकोण में सप्तमेश हो और शादी में समस्या आ रही हो तो बोलो संतान पैदा कर लो बालक, संतान पैदा हुआ समस्या खत्म, की ग्रह मूल त्रिकोण में है ना, त्रिकोण आ गए, संतान पैदा उत्पन्न सृजन कामाख्या, नहीं तो बोलो कामाख्या चले जाओ। स्वग्रही होगा तो क्या बोलोगे, कि घर में ज्यादा समय देना, घरवाली की तुम सुनते नहीं हो इसलिए समस्या है, तो ग्रह की समस्या आ रही है स्वग्रह, ये उच्च में स्वग्रह में फर्क होता है, दृष्टि युति में फर्क होता है, हमें मालूम नहीं है, हम बता तो रहे हैं टॉरस लग्न का आदमी, वृष लग्न का आदमी, मिथुन लग्न के आदमी में फर्क नहीं कर पाएंगे कि दोनों के पैर की लंबाई में क्या फर्क होगा और शरीर की लंबाई में क्या फर्क होगा, जब अपने को ये बेसिक मालूम नहीं है तो दशा कैसे आती, ये बताइए आप मेरे को। आप पराशर के दशा के फल देखिए ना, दशा के फल पे आ जाते हैं, हल्का सा दशा के फल पे आते हैं, फिजिकल डिस्ट्रेस दशा के फल देखिए जरा, ये देखिए दशा के फल है, ये वाला मैं पढ़ रहा हूँ जरा, सबसे ऊपर जो आएगा वही पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं, ये जुपिटर अंतरदशा मरकरी दशा, फिजिकल फेलिसिटी गेन ऑफ वेल्थ बेनिफिशियस ऑफ द किंग सेलिब्रेशन ऑफ ऑस्पिशियस फंक्शन मैरिज एटसेट्रा एटसेट्रा, इतने सारे फल हैं, आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे भाई, जिसको शादी होती है उसको धन का लाभ होता है क्या, लड़की की शादी में लोग दहेज देके मर जाते हैं, सेम दशा अंतर दशा है ना, एक जगह ऋषि बोल रहा है कि धन का लाभ होगा, एक जगह बोल रहा है विवाह होगा, किसी बिहार के गरीब मजदूर से पूछना जमीन बिक जाती है बेटी की शादी करने में, दहेज ना भी देना तो उसका अरेंजमेंट करने में जमीन बिक जाती है, सेम ही दशा अंतर दशा, कैसे फल बोलेंगे आप, क्योंकि इस फल में फर्क करने के लिए आपको दृष्टि युति का फर्क करना बड़ा आवश्यक है, आपको ग्रह के उच्च स्वग्रही मूल त्रिकोण स्वस्थ प्रमुदित में क्या फर्क होता है ये करना बड़ा आवश्यक है, आप उसको नहीं समझेंगे आप जिंदगी भर दशा पढ़ेंगे, कभी प्रेडिक्शन नहीं कर पाएंगे, जो प्रेडिक्शन का तुक्के में बैठ जाएगी, हर गुरु बोलेगा आपको मंत्र करना ज्योतिष बढ़िया होगा, क्यों भाई, साइंटिफिक सिस्टम है तो मंत्र से क्यों बढ़िया होगा, आप क्या बोलते हो किसी ड्राइवर को कि भैया मंत्र करोगे तभी गाड़ी चला पाओगे, नहीं तो नहीं चला पाओगे, मंत्र नहीं भी करता गाड़ी चलाता है, दारू पी के गाड़ी चलाता है, एस्ट्रोलॉजर को मंत्र करना चाहिए, तो अगर आपका ज्योतिष मंत्र के दम पे हो रहा है तो साइंटिफिक कहां से है, फिर नहीं है साइंटिफिक आपका, साइंटिफिक इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि दृष्टि में फर्क नहीं मालूम, तो दशा पढ़ने से पहले आपको भैया दृष्टि में युति में स्वस्थ में प्रमुदित में अपनी राशि मित्र राशि नीच राशि अस्त हो गया वक्री हो गया ये फर्क पता होना चाहिए, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये फल देखिए ना आप, ये सामने पढ़िए, ये इतना, ये उसको छोड़ो आप तो इंग्लिश में तो चलो कोई बात नहीं, लिबरेशन होगा यही पढ़ लो, देह सौख्यम 1, धन प्राप्ति 2, राज प्रीति 3, विवाह उत्सव कार्य 4, मिष्ठान्न भोजन 6 है, गो महिष आदि लाभ जानवर का लाभ 7, पुराण श्रवण 8, देवता गुरु भक्ति 9, दान धर्म 10, यश कर्म वृद्धि 11, शिव पूजा 12, एक दशा में एक अंतरदशा के 12 फल बोले हैं उसने, आप 12 में फर्क कहाँ करेंगे महाराज, कैसे करेंगे कहाँ करेंगे, और जब तक आप इस 12 में फर्क नहीं कर सकते, आपका दशा और आपकी ज्योतिष बहुत बुरा लगता है सुनने में, तुक्के पे चल रही है, मेरी भी चल रही थी 2 साल पहले तक, मैं आज बोलता हूँ ना कि मैं रात को प्रश्न नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रश्न मंत्र के ही दम पे चल रहा है बाबू, प्रश्न प्रिंसिपल मुझे आते नहीं है, 4 आते हैं गिनती के, उस 4 को लगा लेता हूँ, इत्तेसाल मुत्तेसाल आता है थोड़ा सा और भाव राशि देखनी आती है, तो एक रूल है प्रश्न में कि जातक का नियम प्रश्न में भी यूज होता है, प्रश्न का जातक में भी यूज होता है, जितना जातक का नियम आता है उसके दम पे देखता हूँ, तो इसलिए रात को प्रश्न करता नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है वो तो ठीक से आता नहीं है ना भाई, कमजोर आता है तो कमजोर तरीके से करते हैं उसको,
फिर बर्थ चार्ट में, बर्थ चार्ट आप मुझे कभी दिखाओ, दारू पिला के दिखाओ, मैं देखूंगा रिजल्ट, ठीक बोलूंगा आप, गारंटी के साथ बोलूंगा यही फल होगा। क्योंकि अपना ज्योतिष भैया मंत्र पे नहीं चल रहा है, अंधाधुंध पे नहीं चल रहा है, साइंटिफिक सिस्टम को साइंटिफिकली अप्रोच करिए। अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो भगवत भरोसे चल रहे हैं आप और आपका ज्योतिष, ठीक है। तो ये बात है जो हम कहना चाहते थे, अपील है। देखिए कोई बुरा मत मानिएगा, एक सच कड़वा हो सकता है, लेकिन एक मुनव्वर राणा का शेर है कि बड़े बुजुर्गों की गालियां खाते जाइए, जो अच्छे फल होते हैं उनका जायका अच्छा नहीं होता, समझे ना। तो सलाह खराब लग सकती है लेकिन सलाह बेहतरी के लिए दी जाती है। मैं बता रहा हूं, मैं एक मेंटर साहब है हमारे, 3-4 मेंटर है मेरे, ज्योतिष मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये मेंटर लोग वो लोग हैं मेरी जिंदगी में जिन्होंने मुझे अच्छी सलाहें दी। उसमें एक मेंटर था, उससे मैं बात कर रहा था तो मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कहा ऐसे फल होंगे, उसने मुझे एक बात बोली, बोला कि तुमको उच्च और नीच में फर्क नहीं मालूम, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। बहुत बुरा लगा भाई साहब, बहुत बुरा लगा। मेरा मन किया मैं इस लड़के को मैं व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दूं, लेकिन आज मैं 10 साल पीछे मुड़ के देखता हूँ, 10 साल तो हुई नहीं, 4-5 साल में पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अगर उसने वो सलाह नहीं दी होती तो मेरा दिमाग में वो झन्नाटा नहीं बचता, मेरे दिमाग में वो बात नहीं आई होती। उस बात ने कि अगर तुमको उच्च नीच का फर्क नहीं मालूम और तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो तो दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़ो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। उस बात ने भाई साहब मुझे 3 साल सोने नहीं दिया, और उस 3 साल जगाने का नतीजा है कि आज मैं आपके सामने छाती ठोक के बोल रहा हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको गलती पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि आपके गुरु महाराज ने आपको सिखाया नहीं ना उच्च और स्वग्रह के बीच का फर्क और दृष्टि और युति के बीच का फर्क, ये समस्या है सारी की सारी। उसके बाद फिर आप सोचेंगे दशा, आप दशा पे कितना बढ़िया किताब पढ़ लो। हम बता रहे भारतीय विद्या भवन के बुक शॉप में थे हम, तो कोई लड़की आई, उसने बोला जी ज्योतिष में कोई किताब दिखाओ बढ़िया। तो मैंने बोला मैडम बृहत्पराशर सबसे बढ़िया है, उसने बोला सर बृहत्पराशर तो बहुत ईजी है, वेरी इजी। मैंने कहा वाह, अगर लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती बृहत्पराशर पढ़ने में, मैडम को बहुत ईजी लग रहा है, समझे। तो यही सारी समस्या है। इसके लिए मैं हमेशा कहता था दशा को एक दिन में, एक क्लास में, एक साल में नहीं पढ़ा सकते। पहले तो मुझे आपको 8 महीना बेसिक पढ़ाना पड़ेगा, और 8 महीना तो सबसे कम है। बेसिक का कोर्स मैंने चालू किया था तो साल भर का था, मैं पढ़ा नहीं पाया तो मैंने कम किया 8 महीना, अब कम करके 6 महीने पहले आया हूँ, थोड़े दिन में 4 महीना कर दूंगा। क्योंकि अब तो वेबिनार होता है तो वेबिनार में ज्यादा समझाया जा सकता है, पहले लिखने का प्रोग्राम था, लिखने को लंबा तो साल लग जाता। तो आपको दशा पढ़नी है तो पहले 2 साल बेसिक पढ़िए, समझे, फिर 2 साल एडवांस टेक्निक पढ़िए। दशा 5वें साल में आएगी जिंदगी में, क्योंकि दशा बड़ा, आप पराशर को देखो ना, 45-46 चैप्टर के बाद उसने दशा का जिक्र किया, भैया शुरू में तो किया ही नहीं। बारामीर को देख लीजिए, पराशर तो अनऑथेंटिक है, मैं खुद कहता हूँ, बारामीर को देख लीजिए 10 चैप्टर। ये रहा बारामीर ना, बृहत जातक ऑफ बारामीर, आप लोगों ने किताब का नाम सुना होगा दशा क्या ही कहते हैं, किसने सुना है? तो ये जी दशा फलाध्याय जो है ना, ये है चैप्टर नंबर 8। दशाध्याय का जो ऑथर है, नाम मैं भूल गया, आई थिंक गोविंद भट्टारी इज द नेम, गोविंद भट्टारी नाम है। दशाध्याय का जो लेखक है उसने बृहत जातक के 10 चैप्टर पे टीका किया, केवल 10 चैप्टर पे, और बोला कि 10 चैप्टर सही बृहत जातक खत्म हो गया, बाकी जो चैप्टर लिखे हैं वारामेर ने बेकार लिखे, इस 10 चैप्टर में ही पूरा बृहत जातक है। उस 10 चैप्टर में ना साहब दशांतर से 8वां चैप्टर है, 8वां। और आपको ज्योतिष में जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है, दशा पकड़ रहे हैं आप, दशा मत पकड़िए साहब, बेसिक में ही जान चली जाएगी आपकी, अभी कहां दशा जा रहे हैं आप, दशा तूफान है, तूफान समझे। उसको पकड़ने के लिए पहले आपका ग्राउंडिंग अच्छा होना चाहिए, तूफान में ग्राउंडिंग अच्छा होता है, बेसिक आपका तगड़ा रहेगा आप दशा में आंख बंद करके प्रेडिक्शन दे देंगे। इवन मैं बताता हूँ, मेरी पता है क्या आदत है, कोई आदमी बोलता है सर जीवन में ये फल हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ इसकी दशा चल रही है तेरी, वो बोलता है सर इसी की दशा चल रही है, हाउ डू यू नो, कि बेसिक पकड़े मेरा, मेरे को मालूम है। पराशर ने बोला जिसकी दशा होती है उसकी छाया मुंह पे दिखती है, जो जिसकी महादशा होती है आदमी का स्वरूप वैसा हो जाता है। मेरी महादशा देख के आप बताइए मेरी किसकी दशा चल रही है, नहीं बता पाएंगे आप, कैसे दशा करेंगे आप, आपको महादशा नहीं पकड़ी जा रही है, आप अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले बहुत जरूरी है बेसिक पकड़ना, आप बेसिक नहीं पकड़ेंगे दशा आपके हाथ से छूट जाएगी, ठीक है जी। अच्छा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे आते हैं, ब्रिजेश भाई का कहना था, 10 बज गए हैं,
15-20 मिनट में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लेंगे, फिर मजा आ जाएगा। कौन सा चार्ट लें, कौन सा चार्ट लें? एक चार्ट है, उसमें सवाल है कि ज्योतिषी महाराज की ले लें चार्ट, उसका दशा बुध की कैसे जाएगी, है सुमित भाई? हाँ, ले लो। हाँ देवेंद्र जी बोलिए बोलिए, आपका हाथ दिख पा रहा है मुझे? भैया बड़ा अच्छा रहे हो, समझ में आ रहा है बेसिक मेरे को? आ रहा है, आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, बेसिक समझ में आ रहा है आराम से। बस 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 यही चाहिए, यही चाहिए, दिमाग के तंत्र को मजा आ रहा है, ठीक है। और लोग मजे लेके पढ़ रहे हैं, सुमित जी को देखो आराम से। अरे सुमित जी को तो मैं कलकत्ता जाके पर्सनली मजे लेके आया हूँ, सुमित जी को मजे एकदम, सुमित जी को मजे में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरी रह गई है ना मजे में कमी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी बात नहीं है। आपसे आपसे मिलने काम करती है, आपसे मिलने के लिए आएंगे एक दिन। चलो इतना लोगों से मुलाकात होती है, ये एक अच्छा टाइम है। तो इसका जी हमने नाम रख दिया मरकरी दशा कन्फ्लिक्ट, है जी। क्या था ये चार्ट आया तो हमने भाई आंख बंद करके बोल दिया कि बुध की दशा तो हरिओम बल्ले 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 बल्ले, क्यों बल्ले बल्ले भाई है? तो ऐसा है कि देखिए जी, हमने आपको अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं, डिविजनल चार्ट में मैं गया नहीं, दशा की बात हो रही थी, डिविजनल चार्ट मैंने नहीं पढ़ाया अभी तक, तो बात भी नहीं की मैंने, तो प्रिंसिपल भी 42 में से 4-5 पढ़ाए, 5 और टू बी प्रिसाइज 3 का इंट्रोडक्शन दिया था, 5 यहाँ पढ़ाए, तो 7 हो गए, 42/7 बहुत कम, 10 पसीदी से भी कम। डिविजनल चार्ट तो बोला ही नहीं, मुंह से ही नहीं निकाला अभी, है ना, तो बहुत कुछ तो बचा है। तो D1 के दम पे जो 5 प्रिंसिपल पढ़ाए हैं उसके दम पे हम इतना देख लें कि इसकी बुद्धि है ना। तो सबसे पहले क्या बोला था, दशा प्रवेश देखें, बहुत जरूरी जो है, तो ये हमने पकड़ा दशा प्रवेश, यहाँ पे ये हमने देख लिया जी, इसकी बुध की दशा लगेगी 2020 के 6वें महीने से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून से। तो हमने देख लिया भाई एंट्री चार्ट ऑफ दिस पीरियड, ये रहा, नरसिम्हा राव ने सॉफ्टवेयर बड़ा बढ़िया बनाया है, मेनी थैंक्स टू द पर्सन। यहां हम देखे कि अरे बुध तो स्वग्रही है, क्या स्वग्रही ग्रह खराब फल देता है, नहीं है कि नहीं? फिर बुध तो बैठा है, सॉरी बुध तो स्वग्रही बैठा है, बड़ा बढ़िया है, वाह वाह वाह, लेकिन उसके साथ बैठे हैं दो ग्रह सूर्य और राहु, तो क्या होगा, क्या ये पापी बुध को दबा देंगे? भाई आम अवस्था में तो दबा ही देना चाहिए, लेकिन यहां नहीं दबा पाएंगे क्योंकि बुध तो अपने घर में बैठा है। वो कहता है तुम तो बाहर से आए हो मेरे घर में, मुझको धमकी देते हो, दे नहीं सकते, है कि नहीं भैया? दे सकते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। तो माने बुध बलि हो गया और इन दोनों के बुरे प्रभाव तो पड़ेंगे बुध पे, लेकिन बुध बचा लेगा, माने ये व्यक्ति, सवाल है कि बुध की दशा कैसे जाएगी, ज्योतिषी महाराज है, हम लोगों को शक है, लूटते बहुत है, सच्चाई किसी को मालूम नहीं। तो इसमें हमें यह पता चल रहा है कि राहु और सूर्य से पीड़ा तो होगी, माने कि ज्योतिष की दुनिया में कंपटीशन तो आएगा, ज्योतिष की दुनिया में इनके खिलाफ जो है लोग आवाज तो उठाएंगे, इनको गिराने की कोशिश तो करेंगे लेकिन गिरा नहीं सकेंगे। लेकिन बुध जो है स्वग्रही है, कैसे गिराएंगे आप स्वग्रही को, कैसे गिरा देंगे आप? अच्छा जी, फिर बात आती है चंद्रमा की, हमने बोला था चंद्रमा को देखना है पहले भाव फिर राशि। तो चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो बुध से 10वें में बैठा है, 10वां भाव क्या दिखाता है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, है नहीं, गलत बोल रहा हूँ क्या? मेषुरण है, मेषुरण मतलब होता है मोर के सिर का कलगी, समझे ना? केवल चंद्रमा से क्या बैठा है, चंद्रमा से 10वां, बुध से 10वें में चंद्रमा बैठा है कि 10वें में? हाँ बुध के 10, हाँ बुध के 10वें से चंद्रमा बैठा है, राइट। क्या करोगे आप, ये हो गया जी उपचय, उपचय माने ग्रोथ, हाँ ग्रोथ, दशा में ग्रोथ होगी, ग्रोथ आगे की ओर बढ़ेगा। लेकिन चंद्रमा तो उस राशि में बैठा है जिसमें बुध नीच होगा, तो मैंने बोला था कि बेटा बीवी मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मर भी सकते इसी वजह से। चंद्रमा को मैंने बेटा बीवी कैसे ले लिया, मैं पागल हो गया हूँ क्या? चंद्रमा तो मात्र दर्शाती है, मैंने क्यों नहीं बोला माँ मर जाएगी, मैंने क्यों बोला बेटा या बीवी मर सकती है? क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड नहीं, वीनस वहां पर डेबिलेटेड होता है ना, इसलिए क्या? क्योंकि भैया दशा तो आपकी है, सॉरी आपने जिसको माँ बनाया, जिसके लिए वो माँ बनी वही मरेगी, आपकी माँ नहीं मरेगी, आपकी माँ तो मैं डिटेल में देखूंगा,
ड्यूटेरियल कहां पकड़ा है मैंने? स्थिर कारक को मौत के लिए यूज करना है, मैंने कल बोला था ना, स्थिर कारक जो है माँ का होता है मंगल, तो माँ की मौत मंगल देता है, गुड, इसलिए मैंने लिया। अच्छा एक और छोटा सा रीजन था इसके पीछे, रीजन ये था ना कि मून का डिस्पोजिटर देखिए जुपिटर है, जुपिटर शनि के साथ बैठा है, वो संतान से जुड़ा हुआ विषाद बताता है, और जुपिटर भी नीचे, तो संतान से जुड़ा हुआ विषाद, विषाद दर्शन, विषाद यू अंडरस्टैंड ना, सेपरेशन के बाद जो अवस्था होती है, विषाद दर्शाता है, ठीक है। और एक और चीज है, अब भाई वारामिहिर महाराज की बात कर रहे थे, वारामिहिर को मैं कैसे भूलूंगा, ठीक है, नहीं तो वारामिहिर ने एक दशा फलाध्याय दिया होगा, उसमें है भाई इसमें है चंद्रमा के दशा प्रारंभ में अलग अलग राशियों में होने के फल दिए हुए हैं, जरा उस फल वाले चैप्टर में हम लोग पहुंच जाए तो बात और क्लियर हो जाएगी आपको कि मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ जी, तो यहाँ कह रहे हैं कि वारामिहिर महाराज, अच्छा फल कैसे हो रहा है ये जरूर समझिएगा पहले, तो है ना, फिर पीछे पूछिए। दशा आरंभ काल में चंद्रमा कर्क में हो तो उसमें मान धन और सब प्रकार के सुख होते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही होगा। मंगल के घर में हो तो स्त्री में दोष होता है, ठीक है ना, क्योंकि मंगल का त्रिमशाम से बड़ा खराब माना है स्त्री जातक के लिए, उसको हम जरा दूसरा वेबिनार करेंगे, वो सेक्सुअलिटी वाला तो देखेंगे। मिथुन या कन्या में हो तो विद्या मित्र और धन का लाभ होता है, बुध की सिग्निफिकेशन है तीनों। सिंह में चंद्रमा हो तो दुर्ग जंगल मार्ग और घर के समीप में भी खेती करने से लाभ होता है। लियो में सन होता है ना, लियो पता चल रहा है ना, जंगल वंगल दर्शाता है, पढ़ा होगा आपने, वनवासी शेर, शेर तो जंगल में रहेगा, कहां शहर में कहां रहता। शुक्र की राशि में हो तो अन्न का लाभ होता है, भोजन का, शुक्र सेकंड हाउस, भोजन खाना है ना। मकर या कुंभ में चंद्रमा हो तो दुष्ट स्त्री से संभोग होता है, जो कि खुद ही बोला है कि भैया अगर शनि महाराज आ जाए तो जो है मतलब ऐसी स्त्री के साथ अगम्यागमन इज द फल। ओके, गुरु की राशि में चंद्रमा हो तो मान धन और सुख का लाभ होता है। अब यहां एक बात समझने की है कि फल बोले हैं एक एक दो दो, ज्यादा फल बोले नहीं है कि नहीं, तो आप इस एक एक दो दो को ज्यादा फल में फैलाएंगे कैसे? आपने देखा कि ग्रह का जो लॉर्ड जो डिस्पोजिटर मून का बन रहा है फल, उसके कंधों पर दारोमदार है सारा, है कि नहीं, तो आप उससे देखेंगे तो सबसे पहले तो मरकरी की नीच राशि में बैठने से बुरे फल देगा, ये तो फिक्स हो गया। अब बुरे फल किस प्रकार के, वो चंद्रमा का डिस्पोजिटर देगा जो कि जुपिटर है, ठीक है, तो मरकरी का जुपिटर का नीचे, जुपिटर इज रिलेटेड, जुपिटर चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा जुपिटर की राशि में बैठा ना चंद्रमा। हाँ, तो मैं तीन लेवल का सिग्निफिकेशन एक खास वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा तीन लेवल ना, दशा सिग्निफिकेशन पे काम करती है, प्रिंसिपल पे काम नहीं करती, इसलिए तीन लेवल का, देखिए मैं तीन लेवल का सिग्निफिकेशन ले रहा हूँ, उसके पीछे भी रीजन होगा भैया, ऐसे बिना रीजन के नहीं ले पा, ठीक है, अच्छा चलो, डोंट टेक एनीथिंग विदाउट रीजन, ओके। तो भाई दशा प्रवेश से तो हमको इमेज दिख गई, दूसरा था कारक मारक प्रिंसिपल, है कि नहीं, इसमें हमने कारक मारक प्रिंसिपल तो बोला, प्रिंसिपल नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, कभी बाद में पढ़ाएंगे, सुमित जी को मैं बता चुका हूँ, कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ डिटेल में। ये कारक मारक प्रिंसिपल में एक रूल है, वो रूल क्या है, क्या शब्द था वो, मैं शब्द भूल रहा हूँ, वो शब्द है वो बड़ा, अरे सधर्मी विधर्मी, सधर्मी माने चोर चोर मौसेरे भाई, विधर्मी माने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो सधर्मी माने कि भैया अब दशा लॉर्ड भी पापी, अंतरदशा लॉर्ड भी पापी, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड भी पापी, मैंने पापी पापी भाई भाई, ठीक है जी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कुछ प्लेनेट कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं, जैसे भैया कुंभ लग्न के मामले में बुध, एक अच्छे भाव का स्वामी, बुरे भाव का स्वामी, अब तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का दूसरा तरीका है, सो अभी नहीं बात करते, बाद में करेंगे, लंबा हो जाएगा ज्यादा। यहाँ पर बुध दो बुरे भाव का स्वामी होकर तीसरे बुरे भाव में है, तो माने क्या, चोर चोर मौसेरे भाई, है कि नहीं। अब अगर ये आदमी अच्छे काम करता होता तो ये दशा बड़ी खराब जाती, क्योंकि बुरे भाव की दशा है, लेकिन ये आदमी तो बुरे काम करता है, तो दिवाली की रात चोर को बधाई, भाई दिवाली की रात में तो चोर चलेगा, कब चलेगा बताइए ना, होली की रात में तो चोर नहीं चलेगा ना, तो भैया बुरे आदमी को बुरी दशा तो भाई माशाल्लाह, उसको तो बस मौके ही मिलना है, तो ये हमारा रीजन था। लेकिन ये बुध तो वक्री है, वक्री ग्रह किसके फल लेगा, दृष्टि वाले के और युति वाले के, तो यहाँ तो युति वाले के फल ले सकता है, दृष्टि किसी की आती नहीं है, युति हो रही है सूर्य के साथ,
और ये पंचमेश है छठे भाव में, तभी हमने बोला बेटा पत्नी को थोड़ा नुकसान, पंचमेश छठे भाव में क्यों फल देता है भाई, पंचम भाव की हानि, तो पंचम भाव तो संतान ही है अभी इस मामले में, तो संतान क्यों है, संतान क्यों है भाई, पंचम भाव तो विद्या भी हो सकती थी, पंचम भाव भी हो सकता था, क्योंकि ये कन्या राशि में बैठा है, कन्या जो है वो ह्यूमन साइन है ना। हाँ अच्छी बात, अगर यही सूर्य कैप्रिकॉर्न में होता तो भी अपने राशि से छठे में होता, लेकिन तब जो है जानवर राशि में होता है ना। तो वैदिक ट्रेडिशन में जानवर माने इनकम सोर्स है ना, वो हम बोलते हैं कि जो टीचिंग करता है उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है जी। अगर ये द्वादश भाव में होता जो कि पंचम से भी अष्टम हो जाता तो ये जल राशि में होता, वो भी जानवर ही दर्शाता है लेकिन जल राशि में होता। तो जल हमने पहले दिखाया क्या बताता भाई, तृष्णा, तृष्णा कैसे उत्पन्न होती है चीज के ना मिलने से, इसका माने क्या होता, डिससेटिस्फैक्शन होता ना। तो आपने देखा कि मैं बेसिक प्रिंसिपल को तोड़ मड़ोड़ के घुमा पलट के इस्तेमाल करता हूँ, है कि नहीं। कि हमने बोला दशा देखने से पहले बेसिक बहुत जरूरी है, बेसिक नहीं आएगा तो दशा नहीं आएगा। अब आप एक चीज और देखो कि ऐसा है कि ये इसमें क्या कहते हैं इसको, ये मकर में और पाइसिस में मैंने फर्क कर दिया, पहले मैंने जानवर में मैंने इनकम सोर्स पकड़ लिया और यहाँ मैंने विषाद पकड़ लिया, है कि नहीं पकड़ा। क्योंकि यहाँ मैंने देखा लग्न से 10th है तो इनकम ज्यादा मैच होती है, यहाँ ये लग्न से 12th है तो लॉस विषाद विषाद दुख ज्यादा इंडिकेट होता है कि नहीं। तो मैंने दोनों को चतुराई से मिला भी दिया, और इसमें भैया अब तो ये तो फिक्स है ना कि भैया लियो से तो 6-8-12 बनेगा, उसमें से तीनों में कंफ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि तीनों जो है जानवर राशि ही हो जाएगी, तो तीनों में हमको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और बता देते हैं, अगर यही सूर्य अपने से 12वें में होता तो मैं बोलता इसको इस दशा में नजायज बच्चा हो जाएगा, क्यों बोलता वो आप लोग सोचिए, आपका होमवर्क रहा आज, राहु मार्स की वजह से मैं ऐसा नहीं बोलता, वो भी बता देता हूँ। राहु मार्स होता तो मैं बोलता कि घर में बंटवारा हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, राहु मार्स की वजह से नहीं बोलने वाला जो भी है। अब कारक मारक में देख लिया जी, जी सधर्मी है माने कारक है, सधर्मी कारक है ना। सधर्मी कारक का मतलब ये होगा कि मरकरी की दशा में जब जब बुरी अंतरदशा आएगी तब तब ये आदमी प्रोग्रेस करेगा, जब जब अच्छी अंतरदशा आएगी तो इसका धंधा चलेगा मंदा, ठीक है। ये है इसका मतलब सधर्मी कारक का। पापी सधर्मी कारक का मतलब बुरी अंतरदशा में अच्छे फल, अच्छी अंतरदशा में बुरे फल, क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई वाला प्रिंसिपल चलता नहीं आती, अपोजिट इज डूइंग गुड, तो जज द अंतरदशा अकॉर्डिंगली। नॉर्मल अंतरदशा देखेंगे फिर बोलेंगे चार्ट गलत है, लग्न बदल लो, जो भी है। इसके बाद हमने तीसरा रूल पढ़ाया था भाई, ग्रह का राशि इत्यादि के हिसाब से फल। तो भाव है छठवा, क्या छठा भाव खराब होता है, बोलिए। हाँ होता है, होता ही है, रोग ग्रीन कलर होता है, जो सच है सो सच है, खराब होता ही है। लेकिन जब मैं भाव की बात करूंगा तो भावेश भी आएगा, है कि देखिए इसको, ये है एक प्रिंसिपल से निकलने वाला दूसरा प्रिंसिपल, जब बात भाव की होती है तो भावेश भी आता है, जब बात राशि की होती है तो केवल ग्रह आता है कि नहीं, क्योंकि राशि में तो ग्रह उच्च नीच होता है, भाव तो होता नहीं, राइट। तो ये छठा भाव है खराब है, लेकिन ग्रह तृतीयेश है, ठीक। तो भाव खराब होके भी उसके लिए भला रहेगा, ठीक है जी। जैसे अष्टम का स्वामी द्वादश में जाने से सरल योग बनाता है, अष्टम का भावी छठे में जाने से हर्ष योग बनाता है, छठे का स्वामी अष्टम में जाने से विमल योग बनाता है, वैसे ये विमल इत्यादि योग आपको मिलेंगे फल दीपिका में। इसको लोगों ने पता नहीं कब विपरीत राजयोग बना दिया, भगवान जाने, विपरीत राजयोग में हमारी आस्था नहीं है, ठीक है। अगले फल थे भैया राशि वाले, मरकरी अपनी राशि में बैठा है, क्या उच्च का बैठा है, सोचने वाली बात है। मरकरी बैठा है जी 15 डिग्री का, 15 से ज्यादा निकल गया तो स्वग्रही हो गया क्या, 15 से 20 मूल त्रिकोण है,
33 वगैरह ही होता है ना। हाँ तो क्या हमारे पास सारावली है? हम जरा चेक करते हैं, सारावली में शायद कुछ इत्यादि के फल बताए हुए हैं, जरा हम देख लें सारावली का पीडीएफ है कि नहीं है। जरा देख ही लें आज सारा का सारा, जो भी होगा निकाल ही दें बस। सरावली आर संथानम वॉल्यूम वन, वॉल्यूम देखते हैं जी क्या है वॉल्यूम वन में है क्या। राशि प्लेनेटरी कैरेक्टर वैरेक्टर तो मिल गया हमें, वो हमें चाहिए नहीं, हमको चाहिए इविल मून कैंसल सन वेरियस राशि नवांशा, राशि नवांशा नहीं मिल रहा है। पार्ट टू में देखना जरा क्या पता पार्ट टू में फल हो जाए। वेरियस साइन वेरियस पावर एंगल इफेक्ट्स 10,000 वर्ड ऑफ अफेयर रेज सन पीरियड मून पीरियड। इसमें तो नहीं है, एक किताब आती है होरा रत्नम नाम है, होरा रत्नम में डिटेल में फल दिए हुए हैं, और शायद तो फल दीपिका में भी है, हमको याद नहीं चीज, लेकिन हमको याद है जहां तक मैंने सरावली चेक इसलिए किया क्योंकि मुरलीधर चतुर्वेदी के हम सरावली की टीका पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने दिया था फल, लेकिन वो फल हमें लग रहा है कि रेफरेंस से दिया है, पुस्तक के श्लोक से नहीं दिया, जो भी है। तो ऐसा है जी, देखिए उच्च के ग्रह के बहुत बढ़िया फल होते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ कि उसका डिस्पोजिटर कैसा है। डिस्पोजिटर बढ़िया माने उच्च के फल बढ़िया, डिस्पोजिटर घटिया माने उच्च के फल घटिया। अब कैसे ये समझिए, अगर सूर्य उच्च का है तो आदमी राजा तो बनेगा, लेकिन मंगल बढ़िया है तो सरकारी नौकरी में, और मंगल खराब है तो चोरों का राजा बनेगा। ठीक है, ये फल होते हैं उच्च वाले। मूल त्रिकोण के फल में और स्वग्रह के फल में ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन मूल त्रिकोण लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ जो है अथॉरिटी भी देता है। स्वग्रही सिर्फ लाइफ में स्टेबिलिटी देता है क्योंकि स्वग्रही को स्वस्थ बोला है, समझ रहे ना, मैं वहीं से प्रिंसिपल उठा रहा हूँ फिर बृहस्पति पराशर वाले से। स्वग्रही को स्वस्थ बोला है, मैंने हेल्दी, ये देखिए ना दिखाई देते हैं यार मुंह से क्या बोलना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हम चले यहाँ। एग्जाल्टेशन साइन इज दीप्ता अवस्था, जल रहा है दीप्ता, दीपक जलता है कि नहीं, तो स्वयं तो जल रहा है, दूसरे को प्रकाश दे रहा है, एग्जाल्टेड है। माने कि क्या, एग्जाल्टेड के साथ वाला ग्रह बहुत बढ़िया होता है क्योंकि साथ वाले को प्रकाश देता है ना उच्च वाला, इसलिए दशा का प्रिंसिपल होता है कि उच्च के ग्रह के साथ जो बैठा उसके उच्च के फल होते हैं, सर्वार्थ चिंतामणि ने बोला है। फिर आता भाई अपनी राशि में स्वस्थ है, अपनी राशि में स्वस्थ है माने कि खा पी रहा है, शारीरिक सुख है, हष्ट पुष्ट है कि नहीं। तो ये दीप्ता एग्जाल्टेशन मतलब इतने अच्छे फल है कि आप खाए दूसरों को दीजिए, कहे कबीर कुछ उदम कीजिए, आप खाए दूसरों को दीजिए, ये अवस्था तो उच्च में हो गई है, खूब तो बहुत बढ़िया है, दूसरे को भी बढ़िया फल दे रहा है। स्वग्रह में स्वस्थ हो गया मतलब खुद ही कुछ रह पा रहा है, सामने वाले कुछ दे नहीं पा रहा, मूल त्रिकोण में बीच की हालत होगी कहीं ना कहीं है कि नहीं। तो मूल त्रिकोणी होने से जो है इसकी कैरियर की अवस्था इतनी अच्छी तो नहीं है कि दूसरे को उठा दे, लेकिन इतनी खराब भी नहीं कि अपने को सस्टेन ना कर पाए, माने कि ग्रोथ देखेगा स्लोली स्लोली, हौले हौले से हवा बढ़ती है, हौले हौले से प्यार होता है, हौले हौले से सक्सेस होती है, जिसको हौले हौले सक्सेस मिले। ठीक है जी, अब इन पांच प्रिंसिपल में से कुछ प्रिंसिपल में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, बाकी प्रिंसिपल में डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल वन जो है वो मैंने आपको बोल दिया कि D6 के जैसा यूज होगा, प्रिंसिपल टू मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्शन के मामले में यूज होगा, लेकिन किस रूल में कॉन्ट्राडिक्शन होगा सो तो मैंने बताया। दीप्तादि अवस्था में एक अवस्था तो हमने इस्तेमाल कर ही ली है, कर ली है ना, ओके। अब लज्जितादि जरा सा चेक कर लें, लज्जितादि क्या कहता है, वैसे ये समझने वाली बातें हैं, रटने वाली बातें नहीं है, 10 बार बोल चुका मैं, ठीक है ना। तो लज्जितादि में देखो पहले तो है जी लज्जितादि अवस्था कहते हैं पंचम में ग्रह हो, पंचम में है नहीं छोड़ दो। दूसरी कहती है गर्विता अवस्था, इफ द प्लैनेट इज इन एग्जाल्टेशन और मूल त्रिकोणा ही इज गर्वित, माने प्राउड ऑफ हिमसेल्फ है कि नहीं, प्राउड है, प्राउड माने इस दशा में जातक ऐसे काम करेगा कि खुद पे प्राउड होगा, उसको होगा ये फल मिला। एनिमी साइन में हो या एनिमी के साथ हो तो क्षुधित होता है, अपनी राशि में है एनिमी तो हो नहीं सकता, वॉटरी राशि में तो त्रुषित होता है, वॉटरी साइन तो है ही नहीं, अर्थली साइन है त्रुषित भी नहीं हो सकता, फ्रेंडली साइन इत्यादि में हो तो मुदित होता है, फ्रेंडली तो है नहीं, स्वग्रही है, तो इसमें से एक अवस्था लगती है वो है जी उच्च या मूल त्रिकोण, जिसको कहते हैं गर्वित, माने ऐसे काम करेगा कि खुद पे गर्व होगा,
समझे ना, ऐसे काम करेगा कि आप देख के बोलेंगे कहाँ था कहाँ चला गया, समझे ना। अब आखिरी वो 27 अवस्था वाली अवस्था थी, क्या नाम था उस अवस्था का भाई, कोई हमें बता दे। नयनादि अवस्था नाम थी इसका, कैलकुलेशन कर लेता है जगन्नाथ होरा, जरा सा देख लेते हैं। शयनादि अवस्था ये रहा जी। अब इसमें कंफ्यूजन है बड़ा, इंटेंसिटी 1, 2, 3, 4 क्या है हमें समझ में नहीं आया, शयनादि अवस्था का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन पता नहीं है मतलब कि शयनादि अवस्था का कैलकुलेशन जगन्नाथ होरा ठीक से करते कि नहीं करते हमें पता नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल टेक दिस। यहां पर मरकरी गमनावस्था में, ये अवस्था सबसे ज्यादा विंशोत्तरी दशा में उपयोगी है हमने ऐसा बोला, लेकिन क्यों बोला? हमने बोला क्योंकि इसमें 27 नक्षत्रों का इस्तेमाल होता है इसलिए, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है? एक वजह किसी भी चीज को जो है बहुत मुखर नहीं बनाती, वजह एक से अधिक चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरी बात यह है कि पराशर ने विंशोत्तरी दशा का फल विस्तार से बोला है और लज्जितादि अवस्था का फल भी विस्तार से बोला है। तो सामान्य रूपम प्रमाण्यम, माने कि जिस चीज को सेम तरीके से डील किया गया हो वो चीज सिमिलर हो, इस प्रिंसिपल को लेते हुए मैं ये समझता हूं कि लज्जितादि अवस्था का नक्षत्र अवस्था में बहुत इस्तेमाल होगा, इसलिए लज्जितादि अवस्था और नक्षत्र दशा दोनों को ही बहुत ही एलिबरेटली बताया गया है। ठीक है जी, अब जरा बुध की अवस्थाओं के फल देख लें, इफेक्ट ऑफ गर्भितावस्था एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पर जो है जी मुदितावस्था में था, किसमें था? गर्भितावस्था में था, गर्भितावस्था में था ना। इफेक्ट ऑफ गर्भितावस्था देख दे लिया भैया, तो इफेक्ट ऑफ गर्भितावस्था में लिखा हुआ है ऋषि ने कि अ प्लैनेट इन गर्भितावस्था विल काउज हैप्पीनेस थ्रू न्यू हाउस, नए घर का सुख होगा, खुशी खुशी जाओ, नए घर का सुख होगा, बगान का सुख होगा, आलिशान का सुख होगा, रिगल हुड ये सब होगा जी, है कला में निपुणता मिलेगी, पैसे का फाइनेंशियल गेन एट ऑल टाइम, पैसे मिलेंगे, इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस होगा, यही तो हम कह रहे थे, है कि नहीं भैया? कि बेशक ये लोगों को लूट रहा है लेकिन बुध दशा में इतना लूटेगा कि आपको जलन हो जाएगी, हम क्यों नहीं लूट पाए इतना, ये क्यों लूट रहा है? अब सही बात है, हर चोर के भले दिन आते हैं भैया, ऐसी बात थोड़ी ना है। देखो हर चोर मरे और हर राजा जीते ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार सत्ता पलटा भी जाता है, होता है कि नहीं भाई? क्योंकि देखिए आखिर तो कर्म का फल है ना। अब हो सकता है पिछले जन्म में बड़े अच्छे कर्म किए हों, कौन जाने, कोई नहीं जान सकता ना, आप कुछ नहीं कह सकते, समझे ना, आप कुछ नहीं कह सकते किसी बात के बारे में। अब बात आ गई मरकरी की, मरकरी तो कौन सी अवस्था में था बताइए, बताइए, याद नहीं? मरकरी गमनावस्था ना, मरकरी गमनावस्था में था, ये राजी गमनावस्था। तो अब आ गया जी इफेक्ट ऑफ द मरकरी अवस्था, है कि नहीं? अब यहाँ पर गमनावस्था लिखी है, यहाँ जी पढ़े जरा फल, पढ़े जरा सा फल, आपका मन खुश होगा। गमनावस्था में था द सेम इफेक्ट विल फ्रुक्टिफाई होगा, तो आगमनावस्था में था अच्छा इसमें क्या लिखा है वही गमनावस्था, यहां से पढ़िए आप जरा सा, इफ मरकरी पैसा आएगा भाई, इसका मतलब क्या बोल रहा है पराशर यार, किसको मानूं मैं, पराशर को कि किसको? अच्छा एक और बात है, जब हमने प्रेडिक्शन की थी तब तो हमने रेफर नहीं किया था, नहीं किया था ना, तो किताब खोल के देखी नहीं, आपके पास तो एक ही पराशर थे, हरिहर मजुमदार, वो भी बंगाली, मुझे तो समझ में नहीं आता तो मैंने याद कैसे रखा, है कि नहीं बात है ना, मैं याद कैसे रखता हूँ? तो ये अवस्था तो 12-13 है और फल है 9, तो 9 × 12 इसका 108, 108 फल में कैसे याद रखूंगा भाई? एक छोटा सा मैं तरीका इस्तेमाल करता हूँ, पता है क्या? बुध तो राजकुमार है, बच्चा है, गमन माने जाना होता है, तो बच्चे को तो भागने दौड़ने में मजा आता है, फल अच्छे होंगे ऐसे मैं याद रख लेता हूँ। अब कॉपी लेके थोड़ी ना घूमेंगे सब जगह भाई, वो तो सही है, नोट पे बोलोगे शुभम जी कुंडली देख के बता दो, और क्या पता डबल पैसे दे दो तो बताना ही पड़ेगा, तो मैं क्या कॉपी ढूंढूंगा? कॉपी तो नहीं ढूंढूंगा ना, कॉपी लेके ट्रेवल करूंगा क्या? नहीं करूंगा ना, क्लाइंट आएगा कंसल्टेशन लेने, मुंह के आगे बैठ जाएगा,
तो मैं क्या कॉपी में देख के फल बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, याद रखना पड़ता है कि नहीं? एकदम याद रखने के कुछ तरीके होते हैं, इसको हम कहते हैं प्यारी भाषा है, एक बड़ी प्यारी भाषा है इंग्लिश, उसमें कहते हैं मेमोरी एड। माने कि जब आपको लगे कि आपकी बौद्धिक क्षमता छीन हो गई है, इस्तेमाल कर रहे हैं याद रखने के लिए कुछ और तरीका, इसको मेमोरी एड कहते हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आज का वेबिनार खत्म करते हैं। दशा पे हमारा एक कोर्स है, उसमें आप लोग एडमिशन लें, अधिक जानकारी वहीं पे मिलेगी, वहां पे हम बड़ा विस्तार से पढ़ाते हैं, यहाँ हम बड़ा संक्षेप में पढ़ाई, लेकिन फिर भी बड़ा लंबा 2 घंटे के आसपास खींची गया है। ठीक है, तो जो भी है भाई सबको गुड नाइट है हमारी तरफ से। वो कब चालू कर रहा है दशा का? दशा वाला देखिए इसको एक दो हफ्ते में चालू कर देंगे, 2 हफ्ता इस वीडियो को प्रमोशन पे रखते हैं फिर चालू कर देंगे। ठीक है, कि वो कोर्स बीच में आधा रह गया है, उस वजह से जो है ना करते हैं उसको। ठीक है जी, ठीक है, तो नमस्कार नमस्कार, गुड नाइट। और भैया हमारा मजाक भारी लगा हो तो क्षमा चाहते हैं, ये थोड़ा हंसते हंसते पढ़ाते से जो है बड़ा मजा आता है, नहीं एकदम। तो गुड नाइट है सबको, कोई भी सवाल हो ज्योतिष प्रारंभ ग्रुप में पूछें, जहां वीडियो अपलोड करके फेसबुक पे डालेंगे उसके कमेंट में पूछें, जहां मैं मिलता हूं वहीं पकड़ के पूछें सवाल, अगर मैंने कुछ बोला है तो सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।